ब्लैक होल्स इन दी सेंटर होती हैं और उसमें सैटेलाइट्स होती हैं, बोथ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सैटेलाइट्स। एंड उसमें एट द एंड हमने पढ़ा था स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज विच इंक्लूड कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स। फिर हमने पढ़ा था मिल्की वे एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्पायरल गैलेक्सी। तो मिल्की वे एज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पायरल गैलेक्सी हमने पढ़ा था। फिर जो आर्म थी मिल्की वे की, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम पाया जाता है, उस आर्म का क्या नाम है? आई वॉन्ट यू पीपल टू टाइप इट इन द चैट बॉक्स सो दैट आई नो कि आप लोगों को याद है। Orion Cygnus Arm, very good. So this means you remember your address, and on some date in future, if you get lost in space, you know exactly where to go. ठीक है, तो आपने जाना किधर है ये अब आपको पता लग गया है। इसके बाद हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज। सो फार हमने पढ़ लिए कि कौन कौन सी टाइप्स हैं, विच इंक्लूड्स स्पायरल गैलेक्सीज, इलिप्टिकल गैलेक्सीज, लेंटिकुलर गैलेक्सीज, एंड रिसेंटली दे हैव एडेड अ फोर्थ टाइप विच इज द इररेगुलर गैलेक्सी in which the structures do not align very neatly so as to give it a very well defined shape. So things are like very loosely arranged in that galaxy, and the and the reason why it happens is that it's believed that it is mostly because of the it's mostly because of the weak gravitational force or pull. So that was about it. Then we studied about the future of Milky Way, which is that in due course of time, like let's say in about 3 to 4 billion years, Milky Way is going to collide with Andromeda, which is headed towards the Milky Way at a rate of 100 to 140 kilometers per second. And at this rate, it will take it around 3 to 4 billion years to collide with Milky Way. And together they'll form a new type of galaxy, which would be elliptical. ठीक हो गया? Yes, very good Sana. I am very glad you remembered things. तो इसके बाद जो हमने चीज पढ़ी थी वो फिर पढ़ी थी, हमने पढ़ा था the life cycle of a star. तो life cycle of a star कैसे होता है? उसमें सबसे पहला स्टेज जो आपके पास है वो है मेन सीक्वेंस स्टेज, जिसमें वो दो हाइड्रोजन एटम्स को फ्यूज करके और एटॉमिक नंबर 2 का हीलियम बनाता है, और फ्यूजन की रिएक्शन के दौरान वो क्या करता है? एनर्जी को रिलीज करता है। वेरी गुड मारिया, आसमा एंड सलमा। ठीक है, ये लड़के सारे नालायक हैं, कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, सिर्फ लड़कियां ही जो है ना वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक हो गया, फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद ये था कि वो इसमें तकरीबन 90% ऑफ अपनी लाइफ साइकिल जो है उसको गुजारते हैं। देन इट एडवांसेस टू द नेक्स्ट स्टेज विच इज द जायंट स्टार फेज। उसमें ये होता है कि 3 हीलियम के जो एटम्स हैं वो फ्यूज होके एक कार्बन का एटम बनाता है विद एटॉमिक नंबर 6, एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज ड्यूरिंग दिस फ्यूजन इज ट्रेमेंडस। दिस कॉजेज द स्ट्रक्चर ऑफ द सन टू एक्सपैंड and transforms sun g okay all right So, the amount of energy that's released during this phase is tremendous, and it causes all the structures, the layers of the sun to expand, thereby making it or turning it into a giant star. ठीक हो गया? अच्छा, तो इसमें जो स्टार हमारे पास मौजूद है उसका नाम है बीटलजूस। ठीक हो गया? अच्छा, फिर इसके बाद आती है बारी फ्यूज होने की कार्बन की, कार्बन के बाद नियॉन की, फिर ऑक्सीजन एंड देन सिलिकॉन। ठीक हो गया? अच्छा, अब सिलिकॉन और सिलिकॉन में डिफरेंस है, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि सिलिकॉन वो होता है जो कि है एलिमेंट, ठीक है, और सिलिकॉन वो है जो कि है आपके इम्प्लांट्स। ठीक है, तो सिलिकॉन इज द एलिमेंट एंड सिलिकॉन वो होता है जो आपके इम्प्लांट्स होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हो गए, या आपके बटक इम्प्लांट्स हो गए, या आपके काफ इम्प्लांट्स हो गए, या आपके डेल्टॉइड के इम्प्लांट्स हो गए, या आपके क्या कहते हैं चेस्ट इम्प्लांट्स हो गए एंड थिंग्स लाइक दैट। तो वो बनते हैं सिलिकॉन से, तो आपको सिलिकॉन एंड सिलिकॉन में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब इसके बाद जो सन है इट विल एम्बार्क ऑन आइदर ऑफ द टू पैथ्स। इफ इट्स अ वेरी मैसिव स्टार एंड इट हैज अ लॉट ऑफ एलिमेंट एंड मास इन इट, तो इट विल एक्सप्लोड एज अ सुपरनोवा। सुपरनोवा पे आपके पास 5 से 10 बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि ये कभी कभार आ जाता है, वो आपको दे देते हैं।
तो यू मस्ट हैव एटलीस्ट 5 to 10 बुलेट पॉइंट्स, और जो उसका कोर होगा तो वो कोर क्या करेगा, दैट इट विल फोल्ड अपॉन इट्स ओन सेल्फ एंट्रैपिंग ऑल द एनर्जी इन इट एंड फॉर्मिंग अ स्मॉल ब्लैक होल. ठीक है, मारिया इट विल नॉट फॉर्म वाइट डॉर्फ बट द होल विल. अच्छा, ये सेकेंड पार्ट का आप बता रहे हैं, ठीक हो गया. तो वो उससे बन जाएगा ब्लैक होल बन जाएगा. एंड ओवर द पैसेज ऑफ टाइम व्हाट इट विल डू इज दैट इट विल इनगल्फ द नियर बाय मटीरियल एंड इट विल कीप ऑन एनलार्जिंग एंड बिकमिंग लार्ज एंड लार्ज. ठीक हो गया. फिर इसके बाद क्या है, अगर वो छोटा स्टार है तो वो एक्सप्लोड नहीं होगा, बट रादर इट विल रिग्रेस एंड इट विल बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर टू फॉर्म द वाइट डार्फ. तो जो वाइट डार्फ स्टार है जो हमसे नियरेस्ट है, दैट इज कॉल्ड सीरियस बी. ठीक है, और ये सीरियस बी की स्पेलिंग्स के बारे में मुझे सीरियस आपका जो है ना ये है ग्रीवियंस है. आप में सीरियस बी की स्पेलिंग कितनी मुश्किल हो सकती है, आप लोग चार डिफरेंट तरह से उसको टाइप करते हैं, कोई सी से लिखता है, कोई एस ई से लिखता है, कोई सी ई से लिखता है. ठीक है, तो सीरियस बी की स्पेलिंग देख लें, और सीरियस बी ही के बारे में जो है वो सूरा अल नजम जो है आपकी कुरान शरीफ की वो आपको बताती है. तो वो ये कहते हैं कि जो फर्स्ट वर्ड है और जहाँ पे वर्ड अर्थ आता है तो एग्जैक्टली उसमें 86 लेटर्स और सम आई डोंट नो कुछ इस तरह से है, और इसका डिस्टेंस जो अर्थ से है सीरियस बी का दैट इज 8.616 लाइट ईयर समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो ये आप देख लें. वो कहते हैं कि वर्ड्स जो हैं वो 861 वर्ड्स हैं बीच में, ठीक हो गया. और जो इसकी डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड सीरियस बी दैट इज 8.616 लाइट ईयर्स, तो वो कहते हैं कि ये एक कुरानिक मिरेकल है. ठीक है, ओके. तो अब क्या है, इसके बाद हमने पढ़ा था अबाउट कॉमेट्स. कॉमेट्स क्या होती हैं, बड़ी बड़ी बर्फ की जो आपकी लेट्स से बॉडीज होती हैं विच आर मेड ऑफ आइस. ठीक हो गया, कंटेनिंग एमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एट्सेट्रा. तो वो बर्फ की बड़ी बड़ी जो आप कहते हैं एक बॉडीज हैं वो फ्लोट कर रही हैं इन दिस स्पेस. उनकी दो टाइप्स होती हैं, एक शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स होती हैं, एक लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स होती हैं. ठीक है, शॉर्ट पीरियड वो होती हैं जिनका लाइफ स्पैन होता है विच इज लेस देन विच इज लेस देन 200 ईयर्स. ठीक हो गया, और जो है आपका जिसका 200 से ज्यादा हो गया, लेट्स से 600 है, 650 है. फॉर एग्जांपल कॉमेट लव जॉय है, इट टेक्स अराउंड 650 ईयर्स टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन. तो वो है लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स. फिर हमने एस्ट्रॉइड्स का पढ़ा. एस्ट्रॉइड्स आर लाइक बिग माउंटेन्स फ्लोटिंग हेयर एंड देयर. आई टोल्ड यू अबाउट अ मूवी एज वेल दैट यू कैन वॉच. वो आई डोंट नो कि आप लोगों ने देखी है या नहीं देखी. तो वो डोंट लुक अप मूवी का नाम था. तो एनीवे, अब फिर इसके बाद ये था कि एस्ट्रॉइड्स क्या होती हैं वो हमने पढ़ा था. रॉकी एंड मेटालिक इन नेचर है, और मेटल इसमें कौन कौन से हैं. मेटल इसमें हैं गोल्ड, प्लैटिनम, पैलेडियम एंड सिल्वर एट्सेट्रा. ठीक है, तो अब ये जो है थ्योरीज क्या है कि कहाँ से आई हैं. दो थ्योरीज हैं वो हमने पढ़ी हुई हैं, लेट्स नॉट गो इनटू दैट डिटेल. और फिर इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है. अच्छा, ये मिलती हमें किधर किधर है. ये हमें मिलती हैं एक एस्टेरॉयड बेल्ट में विच इज़ बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, और एक ये हमें मिलती हैं बाय शेयरिंग देयर ऑर्बिट विद जुपिटर. दे आर कॉल्ड एज ट्रोजन्स. ठीक हो गया, सो दे आर कॉल्ड एज ट्रोजन्स. तो और तीसरी जो है वो ये है कि वो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं, उन्होंने अपना ही एक ऑर्बिट सेट किया हुआ है एंड दे रिवॉल्व अराउंड दी सन. ठीक है, अच्छा, अब इसकी इंपॉर्टेंस कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स की क्या है. इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि जब इससे पीसेस टूट जाते हैं तो वो पीसेस जो होते हैं जब वो स्पेस में घूम रहे होते हैं देन दे आर कॉल्ड एज मीटियोराइड्स. वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों को चीज़ें याद हैं. या तो ये मैंने आपको पढ़ाया बहुत अच्छा, या आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं और ये आपको याद है. बिकॉज मीटियोरॉयड एंड मीटियोर एंड मीटियोराइट में लोग इसको बहुत कन्फ्यूज करते हैं. ठीक है, सो आई एम ग्लैड कि आप लोगों को चीज़ें याद हैं. मोहम्मद फैज़ हैज़ रिटन फातिमा, अफीफा, तानिया, यूसरा एंड निदा.
ठीक हो गया, ऑल राइट। तो अब ये मीटियोरॉयड है, लेकिन जब मीटियोरॉयड ट्रेवल करता है एट अ स्पीड ऑफ 7600 माइल्स पर सेकंड के हिसाब से, विच इज वेरी 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 हाई स्पीड, तो ये जब एंटर होता है इन द एटमोसफेयर ऑफ द अर्थ, इट लाइट्स अप बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द एस्टेरॉयड, फास्ट मूविंग मीटियोरॉयड and the air, and it is called a shooting star by layman, but scientifically speaking it's a meteor. ठीक हो गया। अब जो meteor आपके पास timely dissipate नहीं होता, खत्म नहीं हो पाता और वो आके अर्थ से टकरा जाए, so that turns into a meteorite. तो दो important meteorite जो कहते हैं वो, एक तो ये है जिसने dinosaurs को क्या कहते हैं एक्सटिंक्ट कर दिया, अ मीटियोराइट हिट अर्थ एंड ऑल द डायनासोर्स डाइड, एंड अलोंग विद डायनासोर्स बहुत सारी और भी मखलूकात जो थी उस टाइम वो उसके इम्पैक्ट से मर गई। ठीक है, अच्छा, एक और मीटियोराइट का जो कहते हैं जो कि कॉमेट का सोर्स था, एंड इट कंटेन्ड अ लॉट ऑफ वाटर, वो आया अर्थ से टकराया, एंड ऑल द वाटर इज बिलीव टू हैव बीन ब्रॉट टू प्लैनेट अर्थ बाय अ कॉमेट मीटियोराइट। इसके अलावा जो दूसरा मीटियोराइट आपको मिल जाएगा, एरिजोना क्रेटर है और वर्डे फोर्ट क्रेटर इन साउथ अफ्रीका है, और इसके अलावा साइबेरिया में जो मीटियोराइट गिरा था वो है। ठीक है, टंगूस का इंसिडेंस जिसे बोलते हैं, यस, ट्रोजन्स ऑलवेज शेयर देयर ऑर्बिट विद जुपिटर, और एटलीस्ट सो आई बिलीव। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद क्या है, और जो मीटियोर इंसिडेंस था वो चेलियाबिंस्क इंसिडेंस था इन आई थिंक यूक्रेन, वो आपने देखा कि वो कितना खतरनाक था। इसके बाद हमने जो चीजें पढ़ी थी वो क्या थी, हाँ, वी डिड स्टडी अबाउट सोलर विंड्स, हाईली चार्ज्ड पार्टिकल्स जो हैं वो हाईली चार्ज्ड पार्टिकल्स सन से ट्रेवल करती हैं इन ऑल फोर डायरेक्शंस, तो जो हमारे प्लैनेट्स की तरफ आती हैं वो क्या करती हैं, मरकरी का जो है तो मरकरी को तो उसने स्ट्रिप ऑफ कर दिया है फ्रॉम इट्स एटमॉस्फेयर और इट्स एनवायरनमेंट, क्योंकि वो बहुत क्लोज है और ये स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं सोलर विंड्स। तो यस, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, तो आई थिंक वी शुड गेट ऑन आवर नीज एंड प्रे टू गॉड। ठीक है, कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स की तो हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है कि वो स्ट्राइक कर दें अर्थ को, वी आर लिविंग इन अ वेरी से प्रिकेरियस सिचुएशन। ठीक है, अच्छा, तो फिर क्या है कि मैं क्या बता रहा था, हाँ, सोलर विंड्स आती हैं, सोलर विंड्स जब मेजॉरिटी सोलर विंड्स जो है ना वो आप लोगों को आवाज आ रही है, कैन यू पीपल हेयर मी, अच्छा, तो अब ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ सोलर विंड्स हैं दे आर डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ अर्थ, हाउएवर सम ऑफ देम डू इट सम ऑफ देम डू एक्चुअली इंटरसेक्ट विद द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, and whenever highly charged particles intersect the magnetic field it generates a sort of electricity, aur jab electricity hai wo poles ki taraf jati hai to raste mein it keeps on knocking off different atoms including that of nitrogen, oxygen, etc, aur jo hai kya kehte hain carbon dioxide wagaira ho gaye, in sab ko jo hai wo knock off karta hai और वो डिफरेंट एक स्पेक्टेक्युलर लाइट शो जो है वो आपको नजर आता है ऑन दी पोल्स। तो जो पोलर लाइट्स हैं ऑफ नॉर्थ या ऑन द नॉर्थ पोल दे आर कॉल्ड एज अरोरा बोरियालिस, वेरी गुड, और जो साउथ पे है बिकॉज ऑस्ट्रेलिया लाइज ऑन द साउथ पोल लाइक एंटार्क्टिका तो उसको हम कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक हो गया, तो ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था अर्थक्वेक्स के बारे में, तो अर्थक्वेक्स के बारे में जो जरूरी चीजें हमने पढ़ी थी, सबसे पहले हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, तो
तो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में सबसे पहले उसमें होता है एक कोर, कोर के ऊपर आपका होता है आउटर कोर, ठीक है। आउटर कोर के ऊपर आपके पास होता है मेंटल। मेंटल के अपने दो पार्ट्स हैं, एक है सेमी सॉलिड, एक है सॉलिड। और जो मेंटल के ऊपर होता है वो है क्रस्ट, ठीक हो गया। सो देयर इज दिस क्रस्ट, वेरी गुड। अब ये जो क्रस्ट है, तो क्रस्ट इज द पार्ट ऑन विच वी लिव, ऑन विच वी कल्टिवेट, ऑन यू नो विच वी माइन फॉर डिफरेंट थिंग्स, वो सारा हम क्रस्ट को करते हैं, ठीक हो गया। मेरी बात को समझ गए आप? ओके, ऑल राइट। अब मेंटल में जो है, जो उसका सेमी सॉलिड पार्ट है, उसमें एक मेंटल कन्वेक्शन करंट बनती है। उसमें क्या बनती है? उसमें बनती है एक मेंटल कन्वेक्शन करंट। जो हैवियर, रिलेटिवली हैवियर और कूलर और डेंसर होती है, इट मूव्स डाउन। और जो रिलेटिवली हॉटर एंड लाइटर मैग्मा होता है, इट मूव्स अप। तो ये मेंटल कन्वेक्शन करंट बनाती है। और इस मेंटल कन्वेक्शन करंट की सर्कुलर मूवमेंट से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एस्केप्स, और वो एनर्जी ट्रेवल करती है थ्रू द लेयर्स ऑफ द अर्थ एंड कॉजेज द मूवमेंट ऑफ क्रस्ट, ठीक है। अब ये जो क्रस्ट है, दिस इज इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू पीसेस कॉल्ड, वेरी गुड, टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। तो जहां पे दो टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं और जलजला आता है, ये एनर्जी रिलीज होती है नीचे से, तो टेक्टोनिक प्लेट्स जहां पे मिलती हैं वहां पे इसको है टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री या फॉल्ट लाइंस। तो अगर कोई फॉल्ट लाइन पे रह रहा है, ही विल बी एक्सपीरियंसिंग फार मोर डैमेज देन द वन हु इज लिविंग इन द मिडल ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट, ठीक हो गया। अब फॉल्ट लाइंस हमारे पास कौन कौन से टाइप्स की है? जो दो फॉल्ट लाइन जलजले के दौरान एक दूसरे से दूर चली जाती हैं वो हैं डाइवर्जेंट, जिसकी एग्जांपल आपको अफ्रीकन रिफ्ट में मिल जाएगी, पैसिफिक पैसिफिक ओशन में मिल जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। वीडियोज मैंने आपको दिखाई थी। इट इज बिलीव्ड 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 दैट दी जो क्या कहते हैं माउंटेनस रेंजेस इन जीबी है, विच इंक्लूड्स हिमालयाज और विच इंक्लूड्स दीज हिंदू कुश माउंटेन्स। ये इसी तरह जलजला आया था और ये जो टेक्टोनिक प्लेट थी ना, ये कन्वर्जेंट थी, तो ये कुछ टेक्टोनिक प्लेट दूसरे के ऊपर चली गई। वो वीडियो में आपने देखा भी था कैसे माउंटेन्स बनती हैं। तो ये जो हमारे जितनी भी जीबी में है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे जो हैं, वी लाई ऑन अ कन्वर्जेंट बाउंड्री फॉल्ट लाइन, ठीक है। और वहाँ पे पहाड़ी सिलसिला बन गया। और इसके बाद जो तीसरी टाइप है, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशनल, इन विच द टू टेक्टोनिक प्लेट्स दे रब देमसेल्व्स अगेंस्ट वन अनदर, ठीक है, एंड दे सॉर्ट ऑफ ग्राइंड अगेंस्ट वन अनदर। तो हाँ, दे स्लाइड पास ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ती तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे से मतलब ग्राइंडिंग होती है, एंड दे जनरेट दे इनजेंडर वेरी डेंजरस अर्थक्वेक्स, ठीक हो गया। तो ये आपको अर्थक्वेक का जो था, कल हमने पढ़ाया भी था और थोड़ा सा इसको समझाया भी था। अच्छा, इतरत किधर है? रुकिए, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। चले, मैंने म्यूट कर दिया यहाँ से। यार चले, म्यूट हो गया। ऑल राइट, अब जो है आज हम क्या पढ़ेंगे? तो इट वाज, आई थिंक इट वाज अ हेल्पफुल रिकॉल फॉर ऑल ऑफ यू। इट वाज अ हेल्पफुल रिकैपिचुलेशन, रिकैप हमने किया। तो जो आप लोगों का था, आई आई होप कि जैसे जैसे मैं बता रहा था, यू आर एबल टू रिकॉल ऑल ऑफ दोस थिंग्स, ठीक है। अब हम जाएंगे एंड वी विल स्टडी समथिंग न्यू टुडे, बट जस्ट यू विल हैव टू गिव मी लाइक 2 मिनट्स। इंशाल्लाह मैं आपके साथ स्लाइड्स शेयर करता हूँ अभी।
सो नाउ सैटेलाइट क्या चीज होती है? हु विल टेल मी? आप लोग सुन रहे हैं मुझे? दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स या रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। ब्रॉड डेफिनेशन इसकी यही है कि सैटेलाइट वो चीज है जो एक प्लैनेट के इर्द गिर्द जो है वो रोटेट करती या ऑर्बिट करती है। लेकिन कुछ सैटेलाइट्स हमारे पास ऐसे भी हैं जो कि हमने मतलब फॉर एग्जांपल भेजे हुए हैं वैसी स्पेस में, दे आर नॉट रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट, या कुछ ऐसे हैं जो सन के इर्द गिर्द भी हमने लगाए हुए हैं। हाउ एवर ब्रॉड डेफिनेशन इसकी यही है कि सैटेलाइट हर वो चीज है जो कि रिवॉल्व करती है अराउंड अ प्लैनेट। अब इसमें दो बातें, एक बात ये है कि सैटेलाइट अगर कुदरती है तो वो तो नेचुरल है, जैसे कि मून हो गया या बाकी उसके मून्स हो गए, प्लैनेट्स के मून हो गए, ठीक है। तो अगर तो ये कुदरती है तो इट्स अ नेचुरल सैटेलाइट, लेकिन अगर ये हमने खुद लगाए देन दिस इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सो सैटेलाइट पहले अगर आपका ये आइडिया था क्या सैटेलाइट हर वो चीज़ है जो हम आसमान में भेजते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, तो अब वो आपका आइडिया गलत हो गया है बिकॉज यू आर अ मोर एनलाइटेंड पर्सन, ठीक है। यू आर अ मोर एनलाइटेंड पर्सन नाउ, आपको अब पता है कि सैटेलाइट नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं। मून इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नेचुरल सैटेलाइट। अब आई नीड योर अटेंशन, सैटेलाइट्स में जो चीज़ें वो आपसे पूछ सकते हैं वो क्या क्या पूछ सकते हैं? एक तो आपसे नेचुरल सैटेलाइट्स का पूछ सकते हैं, अर्थ के सैटेलाइट का क्या नाम है, लूना, ठीक है। हमारे मून का नाम जो है दैट इज लूना, इसीलिए इसको ल्यूनर कैलेंडर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जो कल हमने पढ़ा था प्लूटो के मून का क्या नाम है, शैरन, वेरी गुड, ठीक हो गया। मर्करी हैज नो मून, वीनस हैज नो मून, मार्स हैज टू मून्स, जुपिटर हैज 79 मून्स, जिसमें आपने एक ब्रांड देखा होगा शर्ट का जिसपे एक एलिगेटर बना होता है और उस पर लिखा होता है लोकास्ट, देखा है कभी? ग्रीन से एलिगेटर बना होता है, है ना? नाउ यू नो कि उस ब्रांड ने अपना नेम कहां से लिया है, वेरी गुड। गैनीमेड इज द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। फिर आपके पास है सैटर्न, कुछ लोग इसको सैटर्न बोलते हैं विच इज रॉन्ग, इट इज सैटर्न, ठीक है, यू आर से पहले आएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा जो मून है दैट इज गैनीमेड, सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा मून है दैट इज गैनीमेड, वो जुपिटर का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप इसको अपडेट कर लें, फिगर को बुक में देख लें और विकिपीडिया से भी कर लें, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तो आई थिंक देयर वर 79 मून्स, शायद और डिस्कवर हुए हों, आप इसको चेक कर लें, देख लें, ठीक हो गया। लूना, ठीक है, हाँ। फिर आपके पास घड़ियां बहुत फेमस ब्रांड की है, एक टाइटन नाम है उसका, वॉचेस देखी है आपने, टाइटन वॉचेस, हाँ। तो नाउ यू नो वेयर दैट ब्रांड टेक्स इट्स नेम फ्रॉम। आप लोग में से किसने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है? किसने शेक्सपियर के प्लेस पढ़े? आप लोगों ने प्ले पढ़ा है मिड समर नाइट ड्रीम, ए मिड समर्स नाइट ड्रीम,
व्हेन वी वर इन एट स्टैंडर्ड तो वहां पे हमारा एक प्ले था, सो आई रिमेम्बर इट फ्रॉम देयर। ठीक है, उसमें यूरेनस हैज 27 मून्स, तो उसमें जितने भी मून्स हैं दे हैव ऑल बिन नेम्ड आफ्टर दी कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। जितने भी उसके कैरेक्टर्स हैं इन हिज प्लेज, तो जितने मून्स यूरेनस के हैं उनमें उनको नेम किया है आफ्टर दोज कैरेक्टर्स। इट वॉज इन 7th क्लास इंग्लिश बुक। 7th का तो मुझे पता नहीं, बट आई रेड इट इन 8th। यस आई रेड इट इन 8th। ठीक है, अच्छा फिर अब मुझे ये बताएं कि टाइटेनिया ओबेरॉन पक, तो ये जो है ये सारे अब देखें ना, ये एग्जांपल्स हैं उसके कैरेक्टर्स के। अच्छा फिर आपके पास है नेपट्यून, इट हैज 14 मून्स, बट द मोस्ट फेमस वन आर साओ एंड नीसो। ठीक है, तो ये अब आप देख लें। लिख लें इसमें प्लूटो भी लिख लें, आप लिख लें प्लूटो भी लिख लें, बाकी भी जो आपके पास है ना, 5 हैं टोटल आपके पास जिनको हम नाम देते हैं शॉर्ट डार्क प्लैनेट्स के, जो हमारे कोर्स में हैं 5 वाले, एरिस, होमिया, मेक मेक, सीरस एंड प्लूटो। तो अगर आपको नाम याद हैं बिल्कुल आप लिख लें, बट नंबर ऑफ मून्स भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अच्छा नाउ व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होते हैं ये सेमी इंडिपेंडेंट कंप्यूटर कंट्रोल्ड होते हैं। और अच्छा अबाउट दिस, ये मून्स का जो आपका है ये वाला, ठीक है, इसका फिगर जो है ये आप अपडेट कर लें, आपकी बुक्स में भी गिवन होगा और ये विकिपीडिया में भी गिवन होगा, यू कैन इजीली 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 एक्सेस इट और आप देख सकते हैं इसको। ठीक हो गया, बट इट नीड्स टू बी अपडेटेड बिकॉज आई थिंक कि कुछ बाद में और भी डिस्कवर हुए हैं, तो द फिगर नीड्स टू बी अपडेटेड। ठीक हो गया, ओके। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, अब जिनके बारे में आप सारी उम्र सोचते रहे कि ये सैटेलाइट है, अब हम उसकी बात करने लगे। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है? ये सेमी इंडिपेंडेंट होता है या सेमाई इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, कंप्यूटर कंट्रोल्ड सिस्टम है विच कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज। अब सैटेलाइट क्या पर्पज हो सकते हैं? सैटेलाइट के बहुत सारे पर्पज हो सकते हैं। सैटेलाइट या तो यूज हो रहा है कम्युनिकेशन में, आपकी बातें जो है वो सैटेलाइट के थ्रू पहुंच रही हैं, और या जो है वो टेली कम्युनिकेशन में यूज हो रहा है सैटेलाइट। सैटेलाइट जो है वो जीपीएस में यूज हो रहा है, और सैटेलाइट जो है वो यूज हो रहा है इन ट्रैकिंग एनिमल्स, वेदर फॉरकास्ट में यूज होता है, वेदर ऑब्जर्वेशंस में यूज होता है, और ये यूज होता है प्रिसिशन के साथ मिसाइल्स वगैरह को डिलीवर करने में, और ये यूज होता है मिलिट्री यूजेस हैं इसके और बहुत सारे यूजेस हैं, तो वो आपको आगे दिखाएंगे या पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये है सैटेलाइट। तो अब सैटेलाइट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकलने के लिए क्या चाहिए? फोर्स, यानी कि एस्केप वेलोसिटी। जब इसको एस्केप वेलोसिटी मिलेगी ओनली देन वुड इट बी एबल टू ब्रेक फ्री फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। आप छलांग लगाते हैं तो आप नीचे क्यों गिर जाते हैं वापस? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो अगर आप चाहें कि आप छलांग लगाएं और उसके बाद आप स्पेस में चली जाएं या चले जाएं और आप वापस जमीन की तरफ ना गिरे, या कोई भी चीज जो है वो वापस ना गिरे, फॉर दैट टू हैपन उसको इतनी तेजी से ऊपर जाना होगा कि उसके पास एस्केप वेलोसिटी हो, यानी वो एस्केप कर सके ग्रेविटी के चुंगल से। आप समझ रहे मेरी बात को या नहीं समझ रहे? ठीक है, तो वो जो ऊपर हम भेजते हैं, सैटेलाइट्स भेजते हैं या कोई चीज भेजते हैं, तो वो इतना ज्यादा वो आग आपको नजर आती है जो नीचे लगी रहती है, लगती है, एंड देयर इज लाइक वेरी इज अ लॉट ऑफ फायर एंड स्मोक एंड थिंग्स लाइक दैट। वो जो आग होती है जो रॉकेट्स उसके साथ लगे होते हैं, वो किस लिए होते हैं?
बिल्कुल, टू प्रोवाइड इट स्पीड अप करने के लिए, टू प्रोवाइड द सैटेलाइट विद एस्केप वेलोसिटी। समझ आ गई आपको या नहीं आई? अब ये अजान को एक एक मिनट दे दें बस, फिर आगे जाते हैं इसमें। ओके सो ऑल राइट, अब वो जो आपको नज़र आता है उसके साथ जो टैंक्स लगे होते हैं और उसमें से इतना ज़्यादा उसमें आग लगती है और वो फोर्स उसको प्रोवाइड करता है टू मूव अपवर्ड एंड एट हाई स्पीड, ठीक है, तो वो क्या प्रोवाइड करने के लिए होता है? अब आइंदा आप जब भी देखेंगे और आपको नज़र आएगा तो आप समझ जाएं कि क्या प्रोवाइड करने के लिए इसको ये साथ लगाए हुए हैं। बताएं मुझे, टाइप करें, टू प्रोवाइड द स्पेस सैटेलाइट या स्पेस आपका जो है स्पेस क्राफ्ट जो आपका है या सैटेलाइट है तो उसको एस्केप वेलोसिटी देने के लिए होता है, ठीक है। अब ये एक टिपिकल डायग्राम है, ये आपको एरो नजर आ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये हमारे पास कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास ये होता है स्पेस क्राफ्ट, ये एक जहाज है बिल्कुल आम एरोप्लेन की तरह है, इसको बोलते हैं स्पेस क्राफ्ट, स्पेस शटल, सॉरी स्पेस शटल, ठीक है। दिस इज स्पेस शटल, दिस इज लाइक अ टिपिकल एरोप्लेन या टिपिकल प्लेन, ठीक है, स्पेस शटल। स्पेस शटल के नीचे ये लगा हुआ है आपके पास एक फ्यूल टैंक, बहुत बड़ा फ्यूल टैंक है ये, ठीक है, सो वेरी बिग फ्यूल टैंक। फिर साइडों पे जो है ये आपके रॉकेट्स लगे हुए हैं, अब ये क्या करते हैं? और जो आपका सैटेलाइट है वो इसके अंदर है, कहां गया? इसके अंदर है आपका सैटेलाइट, ठीक है, ये उसको जाएगा स्पेस तक जाएगा, ये खुलेगा, इससे सैटेलाइट बाहर निकलेगा, सैटेलाइट वहां लॉन्च हो जाएगा और ये खुद नीचे वापस आ जाएगा। अगली दफा जब ये स्पेस क्राफ्ट होगा इसमें कुछ लोग बैठ के जाएंगे और ये जाके वहां पे उनको ड्रॉप कर देगा और ये वो ड्रॉप करके सैटेलाइट की जो है रिपेयर करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे या जो भी काम है, या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में तो रहते भी हैं ना, तो आप स्पेस स्टेशन तो हवा में है तो ये जाएगा उनको ड्रॉप करेगा या उनकी चीज़ें वहाँ ड्रॉप करेगा जो भी चाहिए होगा और फिर वहाँ से वापस आ जाएगा।
तो स्पेसक्राफ्ट को हम बार बार भेजते हैं टू कैरी द एस्ट्रोनॉट्स, टू कैरी द सैटेलाइट्स एंड टू कैरी अदर थिंग्स इनटू द स्पेस और टू ब्रिंग देम बैक। समझ आ रही है आपको? वापस कैसे आएगा भाई? वैसे ही आएगा जैसे गया है। आप जहाज हवा में चढ़ाते हैं तो फिर नीचे कैसे जाता है एयरपोर्ट पे? मेहर, आप जहाज में बैठती हैं, ऊपर टेक ऑफ करती हैं तो लैंडिंग कैसे करती हैं? तो जिस तरह से गया उस तरह से वापस भी आएगा। अच्छा, अब जो इसमें जाने की चीज आप ये देखें ना, हमारे प्लेन्स तो थोड़ा सा ट्रेवल करके कहीं रुक के स्टे करके ट्रांजिट में स्टे करके रिफ्यूलिंग कर लेते हैं, निकल गया तो फिर वापस वहां से मुड़ के वापस आ जाएगा, ग्रेविटी में अंदर आ जाएगा। वापस आना कोई मुश्किल काम है? ग्रेविटी कोई क्या कोई वीजा इशू करती है वापस ग्रेविटी में आने के लिए? आ जाएगा, एंटर हो जाएगा, आसानी से एंटर हो जाएगा, कोई उसमें मुश्किल तो नहीं है। अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज है आपको लर्न करने के लिए वो ये है कि इसके साथ ये ऑरेंज टैंक लगा हुआ है, ठीक है? ये इसमें बहुत सारा फ्यूल होता है। वो फ्यूल इसलिए होता है कि आप रास्ते में तो कहीं स्पेस स्टेशन में तो कोई नहीं है ना आपके पास, क्या कहते हैं, रिफिलिंग फैसिलिटी, तो वो फ्यूल सारा इस टैंक में होता है। इनिशियल थ्रस्ट जो है वो आपको प्रोवाइड करती है, यानी कि एस्केप वेलोसिटी आपको प्रोवाइड करती है ये दो रॉकेट्स। ये थोड़ी ऊपर जाके जब वो उसको पता लग जाता है कि इसने एस्केप वेलोसिटी अटेन कर ली और बस अब ये निकल जाएगा, तो ये दो रॉकेट्स जो हैं साथ में ये डिटैच हो जाते हैं एंड दे फॉल डाउन इनटू अटलांटिक ओशन, और अटलांटिक ओशन में गिरने के बाद दे आर रिकलेक्टेड फॉर नेक्स्ट यूज। समझ आ गई आपको मेरी बात की या नहीं? अब स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट ये दोनों एक ही चीज है। व्हेन आई वाज स्टडीइंग इट इट टुक मी लाइक ऑलमोस्ट हाफ अ डे। मैं 2 बजे बैठा था और रात के 10 बजे ये इल्हाम मुझ पे हुआ कि 10 घंटे ढूंढने के बाद ठीक है, मुझे ये पता लगा कि स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट ये एक ही चीज, और ये जो स्पेस शटल है ये बिल्कुल जहाज की तरह होती है, और ये क्या करती है कि ये अपने अंदर जो है लोगों को बिठा के और सैटेलाइट्स वगैरह को ये ले जाती है वहाँ पे छोड़ के फिर वापस आ जाती है। फिर मुझे पता नहीं था कि ये नीचे ऑरेंज क्या है और ये साइड पे रॉकेट्स क्या है। दिस टॉपिक आई पर्टिकुलरली एंड आई एग्जैक्टली रिमेंबर के दिस टुक मी लाइक ऑलमोस्ट अ होल डे टू फिनिश। You are lucky you are getting done with it in 7 minutes. 7 मिनट हो गए इसको पढ़ते हुए, तो आपका आइडिया थोड़ा बहुत क्लियर हो गया है, ठीक है? अभी आपको क्लियर है दिस इज कॉल्ड ए स्पेस शटल। इसके अंदर ये खुलेगा तो सैटेलाइट या स्पेस क्राफ्ट इससे बाहर निकलेगा। एस्केप वेलोसिटीज को ये दो देंगे, ये ऊपर जाके डिटैच होके गिर जाएंगे टू बी यूज्ड अगैन। और ये जो आपका है इसमें देयर इज अ लॉट ऑफ फ्यूल, ये मतलब उसको फ्यूल प्रोवाइड करता रहेगा ताकि फ्यूल खत्म ना हो जाए, ठीक है? अब ये आप देखें कि ये कैसे लॉन्च होता है। How do we launch things into space? You've probably seen beautiful photos of Earth and other planets in our solar system. Those photos were often captured by spacecraft, robotic explorers doing their work far away from Earth. But how exactly do we send these spacecraft so far away? Well, it starts with a rocket, a really, really big one. Why rockets? A spacecraft and basically everything else on Earth is held down by Earth's gravity. However, a rocket burns fuel, called propellant, to push away from Earth and against gravity. This creates a force called thrust. A rocket needs enough fuel and thrust to speed up to at least 17,800 miles per hour. That's how fast you'll have to get going to fly above most of Earth's atmosphere and stay in orbit. Next, the rocket will release the spacecraft, but when that happens depends on where you're going. A spacecraft that orbits Earth is sometimes called a satellite. A satellite is released from a rocket at a specific distance from Earth. There, it keeps going around Earth in a circular path
and orbit. This happens because there's a balance between the energy the satellite picked up from the rocket, called momentum, and the pull of Earth's gravity. The balance of these two forces can keep a satellite in orbit for many years. But what happens if you want to go farther than Earth? If you're trying to get to another planet, you'll need a fast rocket to overcome Earth's gravity. And you still need to release the spacecraft from the rocket. But you'll also need to figure out the best time to leave Earth to get to that planet. Take Mars, for example. Every 2 years or so, Mars and Earth are closest together. This is the best time to go to Mars, since it will require the least amount of fuel and time to get there. And if you want to explore even farther planets like Saturn, plan carefully. For example, will your spacecraft want to encounter Mars or Jupiter on its way to Saturn? But don't worry, all the planning is worth it when you end up with a view like this one. Find out more about our solar system at NASA Space Place. ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को या नहीं आई? तो ये एक रॉकेट में भी हम भेज सकते हैं डाल के, या जो है ना इसको हम स्पेस शटल के जरिए भी भेज सकते हैं। ठीक है, अच्छा। तो मोस्टली वैसे हम जब लोगों को भेजते हैं ना, तो तब हम स्पेस शटल यूज करते हैं। तो ये हिस्ट्री है ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। स्पुटनिक 1 वाज सेंट बाय यूएसएसआर, और फिर आपके पास है स्पुटनिक 2 सैटेलाइट बस है। द लार्जेस्ट सैटेलाइट टू डेट इज द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे आपके पास कम से कम 15 टू 20 बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक सैटेलाइट है लेकिन इसमें लोग भी रहते हैं, इसमें ये एक्सपेरिमेंट्स भी कैरी आउट करते हैं, और इसमें ये स्पेस की फोटोग्राफ्स वगैरह भी लेके ना उसको डॉक्यूमेंट करते रहते हैं। एंड नो कंट्री ओन्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इट इज़ सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रीटीज़। बहुत सारे मुल्कों ने मिलकर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया है। एंड टू डेट इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिंगल आइटम एवर कंस्ट्रक्टेड बाय ह्यूमन काइंड। सबसे महंगी चीज़ यही है, ठीक है, जो सिंगल एक इंडिविजुअल पीस हो जिस पर आपने इतने पैसे लगाए। ओके, अब क्लासिफिकेशन ऑफ सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स को आप कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो सैटेलाइट को आप तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन है सो आई होप यू पीपल कैन हेयर मी नाउ। मैं आपका जो है ना ये इंटरनेट कनेक्शन चेंज करने लगा था। ओके, ऑल राइट, समझ आ गई आपको? अच्छा, तो एक क्लासिफिकेशन ये है कि अगर वो आपसे कहेंगे क्लासिफाई करें सैटेलाइट्स को, तो आप क्लासिफाई कर सकते हैं इसको ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिट। अगर वो सन से इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रहा है तो हीलियोसेंट्रिक है, और अर्थ से कर रहा है तो जियोसेंट्रिक है, किसी और से कर रहा है उसके इर्द गिर्द घूम रहा है तो एरोसेंट्रिक है। फिर आप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो जियोसेंट्रिक है, यानी कि जो अर्थ से इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रही हैं, उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड, कि वो अर्थ से कितने ऊपर है। ये सैटेलाइट्स ऐसे होते हैं जिनको हमने बिटवीन 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच में लगाया होता है,
दे आर रोटेटिंग या रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट एनी एल्टीट्यूड बिटवीन 180 किलोमीटर्स टू 2000 किलोमीटर, समझ आ रही है आपको? इसको हम कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। फिर आपके पास है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, यानी कि ये जो सैटेलाइट है इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ समवेयर बिटवीन 2000 किलोमीटर एंड 35786, ठीक है ना, 35786, ये आपको भूलना नहीं है, 786, ठीक है। अच्छा, फिर जियोसेंट्रिक में से जो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट होते हैं, यहाँ पे आपसे वो क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? एक तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज अ सैटेलाइट, नंबर वन, व्हाट्स अ सैटेलाइट। नंबर टू वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ सैटेलाइट। तीसरा वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्लासिफाई सैटेलाइट्स। तो कैसे आप उसको क्लासिफाई करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिट क्लासिफाई कर सकती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड क्लासिफाई कर सकते हैं, और तीसरा जो उसका टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ये मैंने शायद इसमें लिखा नहीं, लेकिन आप ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन भी इसको, हाँ ये मैंने लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन भी आप कर सकते हैं। आपको समझ आ रही है मेरी बात की या नहीं आ रही? एक सैटेलाइट को आपने क्लासिफाई करना है तो कैसे करेंगे? या तो ये देखेंगे कि वो किस से इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, नंबर वन। ये देखेंगे कि अगर अर्थ से कर रहा है तो किस एल्टीट्यूड पे कर रहा है, लो अर्थ एल्टीट्यूड पे है या जो है आपको मीडियम अर्थ एल्टीट्यूड पे है, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट है या हाई अर्थ एल्टीट्यूड पे है, एल्टीट्यूड पे, ठीक है। और तीसरा है फंक्शन, कुछ जो होते हैं वो हम सिर्फ वेदर के लिए यूज करते हैं, कुछ नेविगेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, कुछ कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, कुछ जो है ना वो बायो सैटेलाइट्स हैं, विच मीन्स दैट दे कैरी ऑल सॉर्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद देम एंड देन दे वेट एंड सी एंड ऑब्जर्व एंड राइट देम डाउन के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे क्या असर पड़ता है स्पेस में। अगर ह्यूमन काइंड चली जाती है मार्स तो क्या वो काबिल होगी कि वहाँ पे आलू उगा सके, या वो इस काबिल होगी कि वहाँ पे धनिया उगा सके, या वो इस काबिल होगी कि वो गंदम उगा सके या कपास उगा सके, ठीक है। तो ये खुद जो है इन चीज़ों को देखने के लिए हम फिर सैटेलाइट भेजते हैं और फिर उससे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आया ये चीज़ें वहाँ पॉसिबल हैं या नहीं है। समझ आ गई आपको या नहीं आई? और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो आपको पता ही है, उसमें इंसान अंदर रहते हैं एंड इट हैज अ नंबर ऑफ फंक्शंस, यू विल राइट अराउंड 15 टू 20 बुलेट पॉइंट्स अबाउट इट। अब ये जो जियोसिंक्रोनस है आपके पास, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स को हम जियोस्टेशनरी ऑर्बिट भी बोलते हैं। क्यों? एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है? कौन बताएगा? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ, मोहम्मद नबील, वुड यू लाइक टू टेल अस? कहाँ गया नबील? जी अनम्यूट करें अपने आप को। नबील कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? जिशान इसको अनम्यूट करें आप। नहीं हो रहा? अच्छा, अब इसका मकसद क्या है? हाँ तो अभी तो आप कह रहे थे यस, अभी आप अपने आप को म्यूट नहीं कर रहे।
कह रहे हैं नहीं पता। अच्छा मैं आपको बताऊं, जियो सिंक्रनस क्या होते हैं, जियो सिंक्रनस या जियो स्टेशनरी क्या होते हैं। जियो स्टेशनरी वो सैटेलाइट होता है जो कि अर्थ के ऊपर, फॉर एग्जांपल आपके घर के ऊपर हमने एक सैटेलाइट लगा दिया है। अब आपको पता है कि अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड इट्स एक्सिस, नहीं दैट इज नॉट इन अ फिक्स पोजिशन, वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। जिस तरह आपका अर्थ जो है वो एक एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, इट इज रोटेटिंग अराउंड एन एक्सिस। अब आप मेरी बात सुन लें, सब चैट बॉक्स को छोड़ दें काइंडली, मेरी बात सुन लें। आप सबको पता है कि अर्थ जो है वो रोटेट करता है अराउंड इट्स एक्सिस, ठीक है। तो इट मींस कि ये जो आपका घर है या जिधर मैं बैठा हूं मेरा घर है, ये इस 5 बजे से लेके अगले दिन इस 5 बजे तक, मतलब ये रोटेट हुआ होगा ना, 24 आवर्स में रोटेट होके आएगा, ईस्ट टू वेस्ट वो रोटेट होके आएगा, वापस इस जगह पे आ गया जिधर ये अभी है। राइट नाउ क्या टाइम है, 4:14 पर। तो 4:14 पर आपका अर्थ जो है वो रोटेट हो रहा है, तो आपका ये जो घर है ये भी साथ रोटेट हो रहा है, बट इट्स जस्ट कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से अर्थ रोटेट होता है तो हमें फील नहीं होता। अगर अर्थ 1 सेकंड के लिए रुक गई, वो आपने वीडियो देखा है व्हाट इफ, व्हाट इफ में बता रहे थे कि अर्थ इज रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 66,000 किलोमीटर्स पर आवर, आवर या पर सेकेंड, ठीक है। तो अर्थ अगर 1 सेकंड के लिए भी रुक गई तो क्या होगा, ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नोवेयर, ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नोवेयर यू एंड आई हम जाके ये साथ वाली दीवारों में लग जाएंगे, अनलेस ऑफ कोर्स यू आर फिक्स्ड, यू आर एंकर्ड टू द सरफेस ऑफ अर्थ, आप जाके दीवार को लगेंगे और ये जितनी चीजें ये आके ऊपर आपको लगेंगी, इट वुड बी कैटास्ट्रोफिक। वो बता रहे थे व्हाट इफ द अर्थ स्टॉप्स। चले ये तो वैसी डिस्कशन है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं वो ये है कि 24 आवर्स में, अब जिस पॉइंट पे है, इफ वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम नाउ, इन 24 आवर्स योर 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 हाउस विल बी एट द वेरी सेम पॉइंट जहां वो आप है, एक कंप्लीट चक्कर अराउंड द एक्सिस काट के यहां पे पहुंच जाएगा। अब अगर आपके घर के ऊपर हमने एक सैटेलाइट लगाया हुआ है तो वो अपने ही स्पीड से गुजरेगा, मतलब रोटेट करेगा अर्थ के ऊपर, इट विल नॉट बी रोटेटिंग एट द सेम स्पीड एज दैट ऑफ अर्थ, वो अपने ही स्पीड से रोटेट करेगा, लेकिन वो अपने स्पीड से ऐसे रोटेट करेगा कि विद इन 24 आवर्स वो वापस आपके घर के ऊपर होगा। उसने अपनी स्पीड को ऐसे सेट किया हुआ है कि 24 आवर्स बाद अर्थ जिधर पहुंचती है ये भी उधर पहुंच जाता है। सो बाय द वर्च्यू ऑफ दैट, एट एनी गिवन पॉइंट जब आप देखते हैं तो वो उसी पॉइंट के ऊपर फिक्स्ड होता है जिधर आप उसको फिक्स करते हैं, दो इट इज रोटेटिंग। लेकिन अगर आप नीचे से देखेंगे तो आप कहेंगे तो स्टेशनरी है ये, तो मेरे घर के ऊपर ही आपने इसको फिक्स किया था, ये उधर ही है, हालांकि वो भी उसी स्पीड से जा रहा है जिस स्पीड से आपकी अर्थ जा रही है, तो इसने भी अपने आप को ऐसे सेट किया हुआ है कि हमेशा आपके घर के ऊपर ही रहे, एंड आफ्टर 24 आवर्स इट कम्स बैक टू द सेम पॉइंट इन द स्काई। किसको ये बात समझ नहीं आई, आप लोग सो गए। बिस्मा बच्चे आई थिंक आई हैव टू लाइक फाइंड वीडियो फॉर इट, वैसे ये नहीं आप लोगों को समझ आएगी। गिव मी ए सेकेंड, शायद कुछ निकल ले। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं।
नहीं ये कोई अच्छी वीडियो नहीं है, लेट मी जस्ट फाइंड अनदर वेरी सिंपल स्मॉल वीडियो, शॉर्ट वीडियो. ये शायद ऐसी है कि इससे आपको समझ आ जाए. सिक्स किलोमीटर्स प्लस टाइम फॉर ए रिवोल्यूशन. इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ इट ऑर्बिट्स अर्थ 15 to 20 टाइम्स जस्ट इन अ डे. When this distance is 35,786 kilometers from Earth, satellite takes 24 hours to complete one orbit around Earth. This is same as Earth's rotation period. So, for someone looking above from ground, this satellite appears to be stationary because both are moving at same speed. अब अगर बिस्मा ये हमने यहाँ पे लगा दिया है आपका सैटेलाइट, ठीक है, और आपका घर यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस आपने इतनी बढ़ा दी है, इसके बीच में ऐसी रखी है कि जब ये रोटेट करके, अर्थ रोटेट करके इस पॉइंट पे आएगा, उस दौरान ये इतना चक्कर काट के वापस इस पॉइंट पे आ जाएगा. तो जैसे जैसे आपका घर जा रहा होगा वैसे वैसे ये साथ में मूव कर रहा होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये स्टेशनरी है लेकिन ये साथ में मूव कर रहा होता है. समझ आई आपको या नहीं आई? वो ये वीडियो में आपको यही बता रहा है कि अगर बहुत करीब रखेगा तो जितने पीरियड में 24 आवर्स में अर्थ एक चक्कर कंप्लीट करेगा, तो ये तो 5 चक्कर काट चुका होगा उसमें. इसलिए हमने डिस्टेंस ऐसी रखी है कि ये तो जिस स्पीड से ये करेगा तो ये भी उसी स्पीड से इसने अपने आप को सेट किया हुआ है, ये साथ साथ चलता जाएगा. तो आपको जब आप ऊपर से देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगता है कि ये स्टेशनरी है, ठीक है, लेकिन ये स्टेशनरी नहीं होता. अर्थ भी मूव हो रही है और साथ में ये भी मूव हो रहा है, लेकिन इसने अपने स्पीड को ऐसे सेट किया हुआ है कि ये उसी एक पॉइंट पे रहता है, ताकि ये अर्थ और ये सैटेलाइट बोथ ऑफ देम अराइव एट द सेम पॉइंट आफ्टर 24 आवर्स. ठीक है ना? ये ऊपर देखें, ये वो इंडिया की यूपीएससी वाले वीडियोज में ये एक्सप्लेन हो रहा है. हम भी सीएसएस के लिए पढ़ रहे हैं, देयर एग्जाम इज कॉल्ड यूपीएससी. ठीक है, अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं इसका फायदा क्या है. हाँ, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रेनस. सिंक्रेनस मीन्स कि ये सिंक्रेनाइज करके अर्थ के साथ एक ही उस पर जा रहा है, ठीक है, और जियो स्टेशनरी दोनों एक ही चीज है, ऑलमोस्ट समवट. ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज, दे आर समवट वन एंड द सेम थिंग. अब मुझे ये बताएं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. What is the importance of this sort of satellite? हम क्यों चाहते हैं कि ये हमेशा एक ही पॉइंट पे लगा रहे? कौन बताएगा? Would somebody want to tell me? अच्छा, नहीं, आप लोगों में से, अच्छा, अगर आप लोग सिर्फ ये नोट करना चाहते हैं, डिफरेंस नोट करना चाहते हैं बिटवीन जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रनस, तो जियो सिंक्रनस एंड जियो स्टेशनरी का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि वो इसी स्पीड से ट्रेवल करता है अराउंड दी रिवॉल्व्स अराउंड दी अर्थ एट द सेम स्पीड विच इट वुड टू अराइव एट अ पॉइंट विच द अर्थ वुड टेक टू अराइव एट इन 24 आवर्स. ठीक है, समझिए इस बात को. हाँ, उसकी स्पीड उतनी ही होती है वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ताकि वो उस पॉइंट पे तब पहुंचे विद इन 24 आवर्स जैसे अर्थ पहुंचेगा. ये जियो सिंक्रनस जियो स्टेशन की बेसिक प्रिंसिपल तो दोनों का यही है.
अब जो आपके पास है ये जियोसिंक्रेनस, जियोसिंक्रेनस आप कहीं भी लगा सकते हैं। आप एरो को देख रहे हैं, नजर आ रहा है आपको ये एरो जो मैं मूव कर रहा हूं? इट कुड बी हेयर, इट कुड बी हेयर, इट कुड बी हेयर, इट कुड बी हेयर, ये वाला सेटेलाइट आप कहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन जो ये जियो स्टेशनरी है ना, ये हम ऐसे सेट करते हैं दैट इट इज ऑलवेज 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 डायरेक्टली अबव द इक्वेटर ऑफ अर्थ। तो जियो सिंक्रेनस एंड जियो स्टेशनरी में ये बेसिक डिफरेंस है कि जो जियो सिंक्रेनस है इट कुड बी, इट कुड हैव एनी इंक्लिनेशन, ये हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। जो जियो स्टेशनरी है उसका यही होता है कि जियो स्टेशनरी आर आर पार्क्ड ओवर द प्लेन ऑफ द अर्थ्स इक्वेटर। तो जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रेनस में आई होप आपको समझ आ गई है, डिफरेंस समझ आ गई आपको दोनों में? भाई जियो सिंक्रेनस आप कहीं भी लगा सकते हैं, पोल के ऊपर लगा सकते हैं, किसी भी जगह पे लगा सकते हैं, पोल के ऊपर लगा सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लगा सकते हैं, कैप्रिकॉन पे लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। जियो स्टेशनरी आप हमेशा ऐसे लगाएंगे कि वो बिल्कुल इक्वेटर के आमने सामने होगा। जैसे ये आपको लाइन नजर आ रही है पिंक, दिस इज प्रॉबली अ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, क्योंकि ये बिल्कुल इक्वेटर के सामने हमने सेट की है। हाँ, एल्टीट्यूड दोनों का सेम होगा, लेकिन जियोसिंक्रेनस में वो किसी भी लैटिट्यूड पे हो सकता है और जियो स्टेशनरी में इट वुड बी राइट अबव द इक्वेटर। अब समझ आ गई आपको या नहीं आई? किसको समझ नहीं आई? हो गया? अच्छा, अब इन्होंने अपनी स्पीड को ऐसे सेट किया होता है सैटेलाइट्स ने कि वो उसी पॉइंट पे 24 घंटे में पहुंच जाती है जिस पॉइंट पे अर्थ पहुंचेगा विद इन 24 आवर्स। तो इसीलिए वो आपको ऐसे लगता है जैसे ये एक ही पॉइंट पे फिक्स्ड है, लेकिन वो फिक्स्ड नहीं है अर्थ के ऊपर। अर्थ के ऊपर वो कैसे फिक्स होंगी? इट हैज टू बी मूविंग, वरना तो वो गिर जाएगा। तो वो इस तरह से मूव कर रहा होता है, उसने हमने आपको सेट ऐसे किया होता है, लेकिन हमें नीचे से नजर आता है कि ये फिक्स्ड है। अब इसका मैं फायदा आपको बताऊं, फायदा क्या है? फायदा इसका ये है, जब आपकी कोई ऐसी चीज हो जो जमीन के साथ फिक्स्ड हो, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा एंटेनास, जब पहले जमाने में वो टीवी के होते थे तो आप एक डंडे से लगाते थे, एक बंदा ऊपर खड़ा होता था, दूसरा नीचे होता था, वो हम कहते थे टीवी आ गई, टीवी चली गई, वो हम एंटेना को फिक्स करते थे, याद है? अब इतने भी आप लोग छोटे नहीं है, आप ही के जमाने की बात है। दिस वॉज वेरी मच इन फैशन बैक इन 99, 98, 97, 2000, 2001, 2003, जब केबल नहीं थी तो यही एंटीना लगता था, एक डंडे से उसको लगाते थे और उसको हम सेट करते थे इन अ सर्टन डायरेक्शन। तीन चार लोग उसमें इन्वॉल्व होते थे, एक ऊपर होता था, एक बीच में खड़ा होता था, एक टीवी के पास होता था, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल। तो अब इतने भी आप छोटे नहीं है, वो एंटीना आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है? अब वो यही है कि उसको हम जियो, उसको हम सेट करते हैं विद जियो सिंक्रनस सैटेलाइट। अब वो वहां पे सेट हो गया है, जिस रफ्तार से आपका घर जा रहा है आपने उधर से इसको सेट कर दिया, उसी रफ्तार से ऊपर सैटेलाइट भी जा रहा है। सैटेलाइट ना आगे हो रहा है ना पीछे हो रहा है, वो सिग्नल खींच के आपको दे रहा है। अगर ये सिंक्रनस सैटेलाइट, इफ इट स्टार्ट्स मूविंग एट इट्स ओन विम एंड इफ इट स्टार्ट्स मूविंग एट अनसर्टेन स्पीड्स, कभी तेज कभी आहिस्ता कभी इधर कभी उधर, तो वो फिर आपका, आपको ऐसा एंटीना चाहिए होगा जो कि सेल्फ एडजस्टिंग हो, जिसमें सेंसर लगे हों और वो जिधर जिधर सैटेलाइट जाए खुद ही अपने आप को एडजस्ट करे। लेकिन नहीं, आपका जो एंटीना होता था वो आप जियो सिंक्रनस सैटेलाइट के साथ सेट करते थे। तो जैसे जैसे आपका घर मूव कर रहा है बाय द वर्च्यू ऑफ द अर्थ रोटेटिंग अराउंड इट्स एक्सिस, उसी तरह से ये आपका जो एंटीना साथ अटैच है घर के, वो भी मूव कर रहा है और ऊपर जियो सिंक्रनस सैटेलाइट भी उसी स्पीड से जा रहा है, तो सारी चीजें सेट है।
और आपको सिग्नल मिल रहे हैं। समझ गए मेरी बात को या नहीं समझे आप लोग? हाँ जी पूछें, क्वेश्चन पूछें। मैंने क्या पढ़ा है? मैंने MBBS पढ़ा है, आई एम अ डॉक्टर। किसी का माइक अनम्यूट है? हाँ भाई मैं जॉब करता था, आई यूज टू टीच एज ए लेक्चरर एट मेडिकल कॉलेज। आई यूज टू टीच फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी टू थर्ड ईयर MBBS। नहीं ना बस से खुदा का नाम ले, ये भी CSS कोई आपको आसान काम लगता है? जॉब भी करूँ, CSS भी करूँ, स्पेशलाइजेशन भी करूँ। हाँ फिर स्पेशलाइजेशन ऐसा हो कि अगर एक साल की डिग्री हो तो आई वुड हैव लव्ड टू डू इट। स्पेशलाइजेशन में अगर आप एनरोल भी हो जाए तो इट वुड एटलीस्ट टेक यू लाइक 4 to 5 years टू गेट थ्रू इट। उसमें मुझे पता था बीच में, आई वॉज वेरी श्योर कि मेरा हो जाएगा, तो फिर वो अगर मैं स्पेशलाइजेशन कर भी लूँ तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। मेरी जॉब इजी थी, आई डिड नॉट टेक अ जॉब दैट वॉज पेइंग वेरी वेल। इट वॉज पेइंग अराउंड 160, लेकिन वो मुझे रोजाना क्लिनिक जाना पड़ता, 8 to 8 की जॉब होती। और आई टुक अ जॉब, मैंने पहले एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अप्लाई किया एंड आई टुक अ जॉब फॉर एज लो एज 30,000 अ मंथ। तो फिर मैंने, क्योंकि बिकॉज द शेड्यूल इज वेरी 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 फ्लेक्सिबल, आई वुड गो देयर फॉर लाइक लेट्स से 1 day or 2 day a week। और फिर वैसे आम दिनों में मैं अटेंडेंस लगा के आ जाता था एंड आई वुड जस्ट सिट डाउन एंड स्टडी, दैट वाज अबाउट इट। लेकिन फिर मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली, इट पेड मी वेरी वेल। आई वुड गो देयर फॉर लेट्स से आफ्टर एवरी 2 to 3 days आई वुड गो देयर, आई वुड टेक माई लेक्चर, और दो या तीन या चार लेक्चर में हफ्ते में दे के आ जाता था। आई वुड कम बैक एंड आई वुड स्टडी। तो बींग अ लेक्चरर तो मेरे पास बहुत टाइम था टू स्टडी। आई डोंट नो आप लोग कौन सी लाइन से हैं, मतलब व्हाट्स योर जॉब और व्हाट्स योर प्रोफेशन, उसमें आपको टाइम मिलता या नहीं मिलता। नहीं, आई एम नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, आई एम नॉट इंटेलिजेंट, बट आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, आई विल गिव माई सेल्फ दैट क्रेडिट। तो मैं हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करता हूँ। आई वुड गो ऑन टू स्टडी फॉर लाइक एग्जाम के दिनों में तो आई वुड स्टडी फॉर गुड लेट्स से 19 hours 18 hours अ डे। हाँ लेकिन उससे पहले आई वुड स्टडी फॉर लेट्स से 7 to 8 hours अ डे। तो आई एम वेरी हार्ड वर्किंग बट आई एम नॉट लेट्स से वेरी इंटेलिजेंट और समथिंग। तो हार्ड वर्क पेज ऑफ, ठीक है। अगर आप लोग हार्ड वर्क करेंगे, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग इन द वर्ल्ड दैट यू कांट डू। तो टेम्पो नहीं बन रहा, ये वही बात है मैंने पहले आपसे कही थी कि ये आपकी, आर यू रियली इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस और यू रियली डेडिकेटेड और यू रियली हेल बेंट, या आपका ये इरादा है कि ये मैंने करना है। अगर तो सिर्फ आपका इंटरेस्ट है तो फिर ये आपका यही है ना कि या हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो ना सही, हो गया तो ठीक है। बट इफ यू आर रियली डेडिकेटेड और आप हेल बेंट हैं ऑन अचीविंग इट, फिर आपका ये हो ही नहीं सकता कि आपका टेम्पो ना बने। फॉर लाइक गुड 2 to 3 years आई डिडंट, मेरा इरादा था कि मैंने करना है, आई स्टार्टेड कलेक्टिंग मटीरियल बट आई डिड स्टडी फॉर अ ईयर। हाँ तो पहले से ही मैंने चीज़ें पूछना शुरू किया, चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू की, आई जस्ट स्टार्टेड मेकिंग अप माई माइंड एंड ऑल दैट।
मेरा हाउस जॉब हो गया एंड देन आई सैट डाउन टू स्टडी इट लाइक सीरियस वाला. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई डिड नॉट हैव अ व्हाट्सएप. आई डिडंट हैव व्हाट्सएप व्हेन आई वाज स्टडीइंग. आई didn't have any Instagram account, any Snapchat. I did not go to any wedding at all. I didn't go to any birthday parties. I didn't go to any social gathering. I would only go to job and then I would come back and sit and study. That was all I would do. So when I still remember when I was going to my sister's engagement, so when we were going, I was actually revising US history on the way. Kaun sa topic tha wo? I think I revised the Watergate scandal, U2 crisis and Cuban Missile Crisis on the way. And she was like, tum revision kar rahe ho? And I was like, nahi, I'm not. But she was like, I'll be very offended if you're not taking a day off on this day. But because I was revising it, she could hear me whisper. मैंने उसको कहा नहीं नहीं. She was नहीं. मैंने सुना है तुम्हें. तुम revision कर रहे हो. मैंने कहा नहीं. I am not revising. But she said to be very sad and offended if you don't take a day off for me. So I mean you have to be that dedicated. ठीक है ना. Now I'm free to go anywhere and I'm free to go and I'm invited to so many places. I mean, in fact, I'm invited to so many places that I actually have to make a choice. Main kahan jaun aur kahan na jaun. Theek hai? So you can always do it. You can always, always, always do it later. Lekin yahi jo aapka saal do teen hai, ye aapke career ke saal hai, and these years can either make you or break you. So you really, really, really have to be ultra careful about where you spend your time and on what you spend your time. ठीक है. हाँ आप तो social media yes use करता हूँ because अब तो अब क्या है, अब तो मैं कर सकता हूँ. CSS special के लिए तो ये फिर आपको एक अलग से session रखवाना पड़ेगा. I don't think it can happen today. बट इसमें मैं आपको यही कह सकूं कि अब आप पास्ट पेपर उठाएं और थोड़ी स्मार्ट स्टडीज को करें, बट डोंट लीव एनीथिंग अनटच्ड. पढ़ना एटलीस्ट आपने सभी है ताकि आपको एक आइडिया डेवलप हो कि वो कहीं से भी आपको कोई चीज दे सकते हैं, तो वो आपको कहीं से भी कोई चीज दे सकते हैं, तो एटलीस्ट आपने उसको पढ़ा और आपको थोड़ा आइडिया हो एंड यू नॉट कॉट ऑफ द गार्ड. सर पुलिस के लिए फर्स्ट 10 की रेंज में आना पड़ेगा? नहीं, जरूरी तो नहीं है. इट डिपेंड्स. अगर आप वो टॉप 10 में आ जाते हैं तो फिर तो आप जिधर जाना चाहें वो आप जा सकते हैं. ठीक है. देन वो उसके बाद फिर आपका जो कोटा होता है, आई मीन लाइक प्रोविंशियल कोटा होता है, उसमें मेरिट बनता है. हर प्रोविंस का अपना होता है. हमारा फाटा का था. फाटा एंड जीबी कंबाइंड था उस वक्त. ठीक है. तो हो जाएगा. आई मीन इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. परेशान ना हो. ओके. तो हमारी डिस्कशन चली थी कि सैटेलाइट्स क्या होते हैं. तो द अदर नेम फॉर सैटेलाइट इज अ स्पेसक्राफ्ट. वेरी गुड. और जो जहाज होते हैं जिनको हम लेकर जाते हैं, लोगों को लेकर जाते हैं, लोग वापस लेकर आते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्पेस शटल्स. वेरी गुड. ठीक है. अब जो आपके स्पेस क्राफ्ट या सैटेलाइट्स हैं, इसको हम क्लासिफिकेशन किन तीन बेसिस पे करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिट, नंबर वन. नंबर टू है एल्टीट्यूड, और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. अब ये जो एल्टीट्यूड है, इसमें जो जियोसिंक्रेनस है या जियोस्टेशनरी है, इनका एल्टीट्यूड फिक्स्ड है. ये ना इससे ऊपर होंगे ना इससे नीचे होंगे. 35,786 किलोमीटर. लेकिन जो किसी भी लैटिट्यूड पे फिक्स हो जाएं वो जियोसिंक्रेनस हैं, और जो एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर हम सेटल करते हैं, सेट करते हैं, दे आर कॉल्ड जियोस्टेशनरी. ठीक है. और जियोस्टेशनरी या जियोसिंक्रेनस सैटेलाइट विद इन 24 आवर्स सेम पॉइंट पे वापस पहुंचेगा, जैसे अर्थ 24 आवर्स में सेम पॉइंट पे वापस पहुंचती है.
तो चूंकि दोनों की स्पीड उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ सेट की हुई होती है, सो दे अपीयर टू बी स्टेशनरी और स्टिल, दो दिस इज नॉट द केस. बस ये है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. आई थिंक ये हमें उससे पूछना चाहिए जिसने उसको पहली दफा सेट किया था. बट अब ये उसने सेट कर दिया है तो अब ये हो गया है. बट देर हैज टू बी सम साइंस बिहाइंड इट ऑफ विच आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई एम नॉट अ साइंटिस्ट आफ्टर ऑल. अब सारा सब कुछ मुझे डिटेल में पता होता तो मैं नासा में अप्लाई ना कर लेता. ओके. तो ठीक है, अब सैटेलाइट की जब डेथ हो जाती है, सैटेलाइट की डेथ कैसे होगी? अब ये कोई पाकिस्तानी जहाज तो है नहीं कि वो जो उसको डिस्कार्ड करें, वो हम लेके उसको पेंट करके उसको एक नई एयरलाइन स्टार्ट कर लें. उनके लिए गाड़ी हो गई, प्लेन्स हो गई, चीजें हो गई. जब वो अपनी एक यूजफुल लाइफ को जी लेती हैं, सो दे डिस्कार्ड इट नो मैटर हाउ एक्सपेंसिव दे आर. ठीक है, हाँ बिल्कुल. लैटिट्यूड की बात हो रही है, एल्टीट्यूड की बात हो रही है. लैटिट्यूड तो कोई भी हो सकता है जियोसिंक्रोनस का. ठीक है, अच्छा अब आप मेरी बात को समझ रहे हैं. जिस तरह से बाकी चीजें वहां पे एक्सपायरी अपनी, मतलब व्हेन दे आर पास देयर शेल्फ लाइफ, यूजफुल लाइफ, तो फिर वो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं. इसी तरह से वो सैटेलाइट्स के साथ भी करते हैं. अब अगर हर एक कंट्री, फॉर एग्जाम्पल 35,786 किलोमीटर पे एल्टीट्यूड पे फिक्स कर रही है अपना सैटेलाइट, और वो 10-20 साल बाद वो एक्सपायर हो जाए, यूजफुल लाइफ जी ले, फिर वो नया लेकर जाए, और 200 ममालिक हैं और हर मुल्क ऐसा ही करे, तो विद इन 30 to 40 ईयर्स क्या होगा? कभी आप लोगों ने घर बैठ के ये बातें सोची है या नहीं सोची, या अभी आप सोच रहे हैं? एक तो आप जल्दी जल्दी इंटरेक्ट किया करें. आई कांट बी स्टेयरिंग एट अ ब्लैंक स्क्रीन फॉर टू लॉन्ग. तो फिर ये होगा कि वहां पे ट्रैफिक जैम हो जाएगा सैटेलाइट्स का, जिस तरह गाड़ियों का होता है, और ये एक दूसरे से टकराएंगी. फिर तो फिर क्या करते हैं इसको, फिर ये करते हैं कि जो आपका हाई अर्थ ऑर्बिट है उस एल्टीट्यूड से भी ये इसको 100-200 किलोमीटर ऊपर ले जाके छोड़ देते हैं. दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अगर सैटेलाइट चढ़ा रहे हैं तो फिर सैटेलाइट को यूजफुल लाइफ कंप्लीट होने, सबसे ऊपर वाला जो है एल्टीट्यूड आपका, जिससे ऊपर सैटेलाइट नहीं लगाते, वो है हाई अर्थ ऑर्बिट विच इज अबव 35,786 किलोमीटर. ठीक है, जब आपका सैटेलाइट एक्सपायर हो जाए, रिटायर हो जाए, तो आप जो लास्ट पीक होता है जिस पे जिसके ऊपर आप सैटेलाइट नहीं लगाते, उससे भी 100-200 किलोमीटर ऊपर ले जाके अपना सैटेलाइट छोड़ आते हैं. समझ गए आप? दिस इज कॉल्ड दी जंकयार्ड ऑर्बिट या ग्रेवयार्ड ऑर्बिट. अनम, ये मैं कोई आपसे फ्रेंच बोल रहा हूं क्या बोल रहा हूं? अनम्यूट करें जरा आप अपने आप को. वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ. रोजा लग गया है आपको? नहीं सर, मुझे शुरू से थोड़ा समझ नहीं आया, इसलिए आगे कंफ्यूजन हो रही है. एल्टीट्यूड, मुझे ये बताएं एल्टीट्यूड क्या होता है? जमीन से जितनी चीज हम ऊपर की तरफ. हाँ, ठीक हो गया. तो अब ये स्क्रीन पे मुझे बताएं कि कितने तरह के एल्टीट्यूड्स होते हैं. अगर आप इसको 180 किलोमीटर से, तो नीचे आप लगा ही नहीं सकते ना, तो अगर आप अगर 180
और 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पे इस बीच में कहीं भी लगाएंगे, तो ये कौन सा ऑर्बिट होगा? लो अर्थ ऑर्बिट। हाँ बिल्कुल। फिर अगर आप चाहते हैं कि आपका सैटेलाइट 2000 किलोमीटर की ऊंचाई या और 35,786 किलोमीटर के बीच में कहीं पे हो, तो ये कौन सा ऑर्बिट होगा? मीडियम अर्थ ऑर्बिट। हाँ, और हम कहेंगे कि ये मियो सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। फिर जो आपके पास जियो सैटेलाइट्स हैं, जियो सिंक्रनस या जियो स्टेशनरी, ये न 35,786 किलोमीटर से नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, ये इस ऊंचाई पे फिक्स्ड होंगे। सर फिक्स्ड क्यों होंगे, मतलब बाकी तो नहीं है फिक्स, ये वाला क्यों फिक्स है? बस ये फिक्स्ड है, ये तो हमें उस बंदे से पूछना चाहिए जिसने इसको किया है, बट दिस इज व्हाट इट इज। अगर आप जियो सिंक्रनस या जियो स्टेशनरी लगाएंगी तो वो इसी हाइट पे फिक्स होगा, उसकी स्पीड, उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वो सारी चीजें आप ऐसी सेट करेंगी कि वो जब ऑर्बिट कर रहा है अर्थ को, तो ये ना इस हाइट से बढ़ जाए एल्टीट्यूड से, ना इससे नीचे आए। ठीक है सर, आई गॉट इट, थैंक यू। ठीक है, फिर जो हियो ऑर्बिट्स होते हैं वो होते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट्स, वो इससे थोड़े ऊपर, कई सौ किलोमीटर आप इससे थोड़े ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है, बट आई एम श्योर देयर इज अ लिमिट टू दैट टू, ठीक है ना। अब इतना भी ऊपर ना हो सैटेलाइट, तो फिर अब जो आपके सैटेलाइट आप देखें, अगर वो क्या कहते हैं, कहाँ चली गई आप? अनम्यूट करें अपने आप को, इट्स स्टिल टू अर्ली। हाँ, तो इट्स स्टिल टू अर्ली फॉर अ थैंक यू, थैंक यू। आप तब कहेंगे जब आपका क्वेश्चन अभी एड्रेस हो जाए ना। अब अगर देखें वो लियो में हम लगा रहे हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में आप भी सैटेलाइट लगा रहे हैं, दूसरा मुल्क भी लगा रहा है, तीसरा मुल्क भी लगा रहा है, चौथा मुल्क भी लगा रहा है, 200 ममालिक हैं कमोबेश, सब लगा रहे हैं। फिर वो एक्सपायर हो जाएंगे, फिर आप 15-20 साल बाद एक और लेकर जाएंगे, तो अगले 40-50 साल में आप बताएं इसमें कोई ट्रैफिक बनेगी वहां सैटेलाइट्स की या नहीं? यस सर, ऑफ कोर्स बनेगी। तो फिर क्या होगा, जो पहले भेजे गए हैं वो एक्सपायर हो जाएंगे? हाँ, वो अपनी लाइफ तो जी चुके हैं, खत्म हो गए, फिर तो मतलब उनकी डेथ हो जाएगी, फिर हमें न्यू के लिए स्पेस मिल जाएगी जो हमने नए भेजने होंगे। तो डेथ कैसे होगी बीबी, वो कोई ऑर्गेनिक मटेरियल तो नहीं कि डेथ होगी, या कोई स्टार है जो सुपरनोवा से ब्लास्ट होके खत्म हो जाएगा? डेथ हो भी जाए, इट्स गोना स्टे देयर, दो इट विल नॉट बी फंक्शनिंग। वो आप बताए ना, मैं आपसे एनालिटिकल स्किल्स को जरा सोचे ना, क्या होगा फिर, रीजनिंग करें। वो वहीं पे रहेगा तो जो नए आएंगे उनके साथ टकराता रहेगा, फिर सर उसको वहां से हटा देंगे ना? तो कैसे, यही मैं आपसे कह रहा हूं, कैसे हटाएंगे उसको? हम या तो वापस ले आते हैं, नंबर वन, कोई हम स्पेस क्राफ्ट बेच के उसको वापस ला सकते हैं, नंबर वन, दैट वुड बी टू एक्सपेंसिव। या वो आपको पता है कि सेमी इंडिपेंडेंट कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम है, तो हम उसको ऊपर ले जाते हैं, मियो से भी ऊपर, जियो से भी ऊपर, हियो से भी ऊपर, जहां पे यूजफुल सैटेलाइट्स का ऑर्बिट ना हो, वहां पे भले ये जमा हो जाए एक दूसरे के साथ, ये लोग क्या कहते हैं, कोलाइट करें, टकराएं, इट वुडंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन अगर इनको हमने यूजफुल ऑर्बिट्स में छोड़ दिया है, जो स्पेस है जहां पे हम यूजफुल सैटेलाइट्स लगाते हैं, तो फिर तो ये ट्रैफिक बन जाएगी, एक दूसरे के साथ टकराते रहेंगे फिर। आप समझ आ गई आपको बात की या नहीं आई? जी सर, मुझे सही समझ आ गई है, थैंक यू। आ गई या वैसी बता रही है मुझे? नहीं नहीं सर, मुझे आ गई है बिल्कुल अच्छे से। तो इसको हम बहुत ऊपर ले जाएंगे, बहुत ऊपर, इन इन ऑर्बिट। हाँ, ये आसमा का मशवरा बड़ा अच्छा है कि इसको डिस्ट्रॉय करें। सो इट सो हैपेंड कि चाइनीज ने आपका मशवरा एडवांस में कर लिया है, और एडवांस में एक्सेप्ट कर लिया, और उन्होंने अपना एक जो था, उन्होंने कहा कि अब क्या इसको या वापस लेकर आए या ऊपर चढ़ाएं, तो क्यों ना हम इसको एक लेट्स स्ट्राइक इट विद अ मिसाइल एंड सी व्हाट हैपेंस। तो उससे हुआ यूं कि जब उन्होंने उसको हिट किया विद अ मिसाइल, इट एडेड 2000 पीसेस ऑफ डेब्री टू द यूजफुल सैटेलाइट ऑर्बिट।
और उस ऑर्बिट से जो उसके कुंडे ताले और मटेरियल उससे टूटा हुआ था वो सारे जा जा के बाकी सैटेलाइट्स के एग्जॉस्ट फैंस में और उधर उनके उनके साथ टकरा के और उनको जो है ना इंतहाई नुकसान उन्होंने पहुंचाया। समझ आई आपको मेरी बात की आसमा या नहीं? दैट रिजल्टेड इन स्पेस लिटरिंग, और वो मटेरियल जो है वो इतनी बड़ी स्पीड में जा जा के बाकी सैटेलाइट्स को लगेगा तो उनको डिस्ट्रॉय ही करेगा ना। एवरी नाउ एंड देन इट्स गोना ड्रिल होल्स इनटू द नियरेस्ट सैटेलाइट्स इनटू व्हिच इट वुड बी कोलाइडिंग द मटेरियल द थिंग्स राइट। अच्छा फिर रशिया ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि ये हमारा एक सैटेलाइट है जिसकी लाइफ पूरी हो गई है तो लेट इट स्टे देयर, इट्स डिफंक्ट बट लेट इट स्टे देयर। वो आउट ऑफ कंट्रोल गया एंड इट कोलाइडेड इन अ फंक्शनिंग यूएस सैटेलाइट इन 2009। तो अब आप ये प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि क्या है? ठीक हो गया। अब हैज एनीबडी हर्ड कि आप लोग अब इसको पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। नासा हैज ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड ए इट्स इट हैज कंस्ट्रक्टेड अ स्पेस ट्रक। नाम सुना है आप लोगों ने? आई वॉज फॉलोइंग अ पेज ऑन इंस्टाग्राम वेयर इट्स आई डोंट नो व्हाट डू यू पीपल डू विद योर इंटरनेट पैकेजेस। आई थिंक यू शुड बी पुटिंग इट टू मोर गुड यूज। और इंस्टाग्राम पे आप ये ना हो कि आप लोग जो है ना वो कौन सा है कोकिला मोदी के वीडियोस देख रहे हो आप उस पर, ठीक है ना। फॉलो सम गुड पेजेस, उसमें कोई अच्छी ऐसी चीज देखें जो आपको समझ आए, उससे आपको कुछ नॉलेज में इजाफा हो। हाँ तो उन्होंने अभी बनाया हुआ है एक स्पेस ट्रक। आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई एक्सीडेंटली वॉच्ड अ वीडियो। अब मैं जब उस पर क्लिक करता हूँ तो वो मुझे सजेशंस में वीडियो आ जाती है। हाँ पे तो नहीं करते हैं बट इट्स जस्ट कि पे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपकी वजह से हमारा सेटेलाइट खराब हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उन्होंने बनाया है एक स्पेस ट्रक। नासा ने स्पेस ट्रक इसीलिए बनाया है कि वो चाहता है कि वो वहाँ जाए। इट्स नॉट अ ट्रक दो बट ये इसी तरह से होगा कि एक स्पेस क्राफ्ट होगा आपका। उसमें हम क्या करेंगे कि उसमें हम या तो एक स्पेशलाइज्ड सेटेलाइट भेज देंगे या जो है उसमें हम एस्ट्रोनॉमर्स वगैरह भी भेज सकते हैं जो कि उन चीज़ों को स्पेस में जो डेब्री है जो गार्बेज है उसको थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करके और उसमें जमा करता रहे एंड दे ब्रिंग इट बैक। समझ आ गई आपको? तो अब जो स्पेस में डेब्री फैल गई है, ह्यूमन बीइंग्स ने सिर्फ अर्थ को पलूट नहीं किया, वी हैव ऑल्सो पलूटेड द स्पेस। वहां पे इतना डेब्री जमा हो गया है दैट इट्स सेड के इन 30 to 40 years वहां के हालात बहुत खराब हो जाएंगे बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग्स। आई मीन लाइक इट वुड बी सो लिटर्ड। तो इसको कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑर्बिट और जंक ऑर्बिट और डिस्पोजल ऑर्बिट। अब समझ आ गई आपको? क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन क्या आ सकते हैं इसमें? आपके पास 15 to 20 जो पेजेस मैंने फॉलो किए हैं वो उन पेजेस का नेम बता दें। वो कभी कभी तो मैं आपको वीडियोस भेजता रहता हूँ, ये वही पेजेस हैं, उनको लाइक कर लें आप। और बाकी जब मेरे सामने आएंगी इस तरह कोई यूजफुल चीज़, वाइस वर्ल्ड की न्यूज़ होती है मैं बहुत शौक से फॉलो करता हूँ उसको, और बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है वो, और कोई आएगा तो वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगा, ठीक है। नहीं अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई सिस्टम करंटली अवेलेबल नहीं है जो कि आपको परमिट दे सके कि कौन कौन सी कंट्री भेजेगी, ठीक है। अगर वैसा होगा तो ऑल द बिगर कंट्रीज वुड स्टिल हाईजैक इट, छोटी कंट्रीज को परमिट ही ना मिले फिर। अच्छा
अब आप लोगों ने करना क्या है, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू स्टडी एक तो जीपीएस का सिस्टम, एंड इट इज सो सैड कि हम जीपीएस को फॉलो करते हैं विच इज द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कंट्रोल्ड बाय द अमेरिकन, इट्स कंट्रोल्ड बाय द अमेरिकन नेवी आई थिंक और द अमेरिकन एयरफोर्स, आई एम नॉट श्योर, यू विल हैव टू फाइंड इट आउट, ठीक है। अच्छा तो इट्स वेरी सैड कि आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगी, तो इट्स वेरी सैड कि पाकिस्तान के पास अपना ऐसा सिस्टम ही नहीं है, वी आर स्टिल रिलायंट ऑन जीपीएस, ठीक है। चाइना इज रिलायंट ऑन बायडाओ और यूरोप के पास जो है वो गैलीलियो है और इंडिया के पास नेविक है, रशिया के पास अपना सिस्टम है ग्लोनस एंड अमेरिका का है जीपीएस एंड वी आर स्टिल रिलायंट ऑन जीपीएस। अब होगा क्या, अब अगर आपकी इंडिया के साथ किसी दिन लड़ाई बन जाती है ऑन सम डेट इन फ्यूचर, व्हाट विल हैपन इज दैट देल से दैट वी आर न्यूट्रल एंड देल शट डाउन द जीपीएस सर्विस। एक दिन आपका जीपीएस रुक जाए तो कितना मसला होगा, आप कहीं जा नहीं सकते, डिलीवरीज पहुंच नहीं सकती, फिर आपकी जो है क्या कहते हैं आपकी मिलिट्री सो डिपेंडेंट ऑन जीपीएस, आपके जहाज एयरक्राफ्ट जो उड़ रहे हैं, जो मिसाइल्स आप भेज रहे हैं, ऑल ऑफ देम, ठीक है। जीपीएस इज रिक्वायर्ड, सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड इन ऑल दोस प्लेसेस, वो आपको शट डाउन करेगा, इट विल हैमस्ट्रिंग यू, लेकिन इंडिया ऑन द अदर हैंड हैज डेवलप्ड इट्स ओन सिस्टम कॉल्ड नेविक। ये इंडिया के साथ इन्होंने किया था इन 1999 जब कारगिल की वॉर हुई थी, अमेरिका सेड वी आर न्यूट्रल, ठीक है। ये आपको बुक में मिल जाएंगे, चाइनीज यूज बायडाओ BEIDOU, रशियंस यूज ग्लोनस GLONUS और SSS मे बी आई एम नॉट श्योर, इंडिया यूज नेविक NAVIC, अमेरिका यूज GPS और बस यही है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, और यूरोप जो है इट यूजेस गैलीलियो। अच्छा तो अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आपने करने हैं, जीपीएस का सिस्टम करना है कि हाउ डज जीपीएस एक्ट, मतलब इसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है, हाउ आर सैटेलाइट्स लॉन्च्ड एंड स्पेस शटल्स। अब ये स्पेस शटल, जेम्स वेब टेलीस्कोप एंड हबल टेलीस्कोप में डिफरेंसेस आपको पता होनी चाहिए, और जेम्स वेब टेलीस्कोप की जो हाउ इट इज बेटर देन दी हबल टेलीस्कोप, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो स्पेस शटल्स हैं ये लोगों को लेकर आती है और लेकर जाती है, इसमें दो बड़े हादसे हो चुके हैं, एक हादसा था आपका कोलंबिया का, अमेरिका के पास छह ऐसे शटल्स थे जो कि लेकर आते जाते थे, कोलंबिया, चैलेंजर, डिस्कवरी और एटलांटिस, एंड देन देर एक प्रोटोटाइप था, बेसिक जो प्रोटोटाइप जिससे उन्होंने डेवलप किया था, और एक और था, तो उनके दो तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, एंडेवर, यस ठीक है, इट स्टार्ट्स विद ई, दो एंडेवर, तो एंडेवर था उनका, तो अब इनके पास छह थे, दो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, एक प्रोटोटाइप था, ठीक है, जो कि वो मॉडल ने इनिशियल बना के रखा हुआ था, बाकी जो इनके तीन हैं वो इन्होंने कर दिए हैं रिटायर, तो वो इन्होंने कर दिए हैं रिटायर। अब क्या है कि वो उन्होंने रिटायर ऐसे नहीं किए कि पाकिस्तान की तरह किसी और मुल्क को बेच दिए, तो इन्होंने रिटायर किए हैं और वो इन्होंने एजुकेशनल म्यूजियम्स में रखे हैं ताकि तीसरी चौथी पांचवीं जमात के बच्चे जब जाएं तो वो देखें कि स्पेस शटल क्या होता है। एजुकेशनल म्यूजियम्स अक्रॉस द यूएस जो है उन्होंने ये लगाए हुए हैं, उधर रखे हुए हैं, पीपल गो, पीपल वॉच, लाइक पीपल सी इट, और बच्चों को जो आप इतनी छोटी एज से भेजेंगे और चीज़ें दिखाएंगे तो डेफिनेटली उनकी लर्निंग आपसे बेटर होगी। फिर अब हम देखें, हम तो यहाँ इस कोर्स में आके इसको पढ़ रहे हैं, इट वुड हैव बीन अ लॉट 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 बेटर हैड समबडी एक्सप्लेन दीज थिंग्स टू यू इन योर थर्ड और फोर्थ ग्रेड और मे बी फिफ्थ ग्रेड।
अच्छा होता या ना होता? तो स्पेस शटल दो बड़े हाथ से हो चुके हैं, एक है कोलंबिया और एक है चैलेंजर। आई विश आई कुड शेयर द वीडियो विद यू, लेकिन अब टाइम इज इन अ वेरी शॉर्ट सप्लाई, तो मैं देखता हूं अगर ये चैलेंजर की, मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की, इनकी तमाम फैमिली को भी बुलाया हुआ था और सारे लोग आए हुए थे एंड इट टुक ऑफ, लेकिन मेरे ख्याल से जो उसका वो ऑरेंज वाला टैंक लगा होता है ना, उसमें कोई मसला हुआ एंड इट एक्सप्लोडेड मिडवे, और उनके उसमें एस्ट्रोनॉट्स भी बैठे थे, उनकी फैमिली भी बैठी हुई थी एंड दे सॉ इट, और वो नेशनल टेलीविजन पे उसको टेलीवाइज भी कर रहे थे। ठीक है, चलें कोशिश करते हैं कि ये आपको दिखाएं। ये है, एक मिनट, ये मिल गई ये वीडियो। हाँ, जो दोनों सी से शुरू होते हैं ना, दोनों मनहूस थे, चैलेंजर एंड कोलंबिया। ये जाते हुए टेक ऑफ के बाद जो है एक्सप्लोड हो गया, वो वहां से अपना मिशन कंप्लीट करके जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ, उसके एग्जॉस्ट फैन में कोई खराबी थी, इट वो इतना वो गर्म हो गया, हीट अप हो गया, इट कुड नॉट टाइमली कूल इट एंड इट एक्सप्लोडेड। It was a bitter cold but sparkling clear morning at Cape Canaveral. Here, the last seconds of the countdown. 3, 2, 1, and liftoff. ये आप देख रहे हैं ऑरेंज टैंक और साथ में रॉकेट इसके एस्केप वेलोसिटी देते हुए। All the communications between the shuttle and mission control indicated everything was going fine. There was a sense of relief that the much delayed flight was finally underway. Engines at 65%, three engines running normally, three good fuel cells, three good APUs. Engines throttling up, three engines now at 104%. Challenger, go with throttle up. It happened just over 1 minute into flight. 1 minute 15 seconds. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. From mission control, silence. Then the bland, chilling report. We have a report from the flight dynamics officer that the vehicle has exploded. Flight director confirms that. We are looking at checking with the recovery forces to see what can be done at this point. Slow motion. A search effort couldn't begin for some 15 minutes after this. Debris, they said, just kept raining from the sky. The head of the space shuttle program had no explanations, just sorrow at the tragedy. At 11:40 a.m. this morning, space program experienced a national tragedy with the explosion of the space shuttle Challenger approximately a minute and a half after launch from here at the Kennedy Space Center. Computer-enhanced video shows the explosion in detail. One explosion appears to happen at the rear of the spacecraft, around the main engines, perhaps in one of the two solid rocket boosters. Then a blast higher up. The shuttle was instantly a blazing fireball. NASA has appointed a committee of top engineers and scientists to investigate the catastrophe. Orders have been issued to impound all. ठीक हो गया, समझ आ गई आपको? अब आपने क्लियरली देखा होगा उसमें एक ऑरेंज आपके पास टैंक होता है, दो साइड पे रॉकेट्स होते हैं और बीच में एक स्पेस शटल होती है। ठीक है, और बीच में एक स्पेस शटल होती है आपके पास। ओके, आई होप कि आपका सैटेलाइट्स का जो है आपका आइडिया अब क्लियर हो गया है कि सैटेलाइट्स नेचुरल होती हैं, आर्टिफिशियल भी होती हैं, और उस सैटेलाइट्स को हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, जो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस में क्या डिफरेंसेस हैं, और इसके अलावा जो है आपने जेम्स वेब टेलीस्कोप और हबल टेलीस्कोप में डिफरेंसेस
और कम से कम जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसके जो अभी तक उसने भी चीज़ें भेजी हैं, तो आपके पास ये सारा मिला के 15 to 20 पॉइंट्स होने चाहिए। मतलब इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द कोर्स, लेकिन ये आ सकता है। सिमिलरली नोट कर लें, नासा का जो है आपके पास एटलीस्ट 5 to 10 बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए कि नासा क्या चीज़ है, वो पूछ सकते हैं, ठीक है, फॉर 1 or 2 मार्क्स। फिर ये आपसे पूछ सकते हैं कि जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में क्या डिफरेंस है, या आपसे जीपीएस के फंक्शनिंग का पूछ सकते हैं, या वो बाकी सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम जल्दी क्विकली जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बता दूं, लाइक इन 10 to 15 मिनट्स आई लेट यू गो। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का भी आप लोगों ने नोट तो कर लिया, वो आखिरी स्लाइड में। अच्छा, लेट मी जस्ट प्लग इट इन फॉर चार्जिंग। फिर मैं आपसे सिर्फ डिस्कस करता हूँ कि नेक्स्ट क्लासेस में हमने पढ़ना क्या है, इन केस इफ यू वांट टू स्टडी इट इन एडवांस तो आपको पता हो। ओके, कॉन्स्टलेशंस और एस्टेरिज्म को पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी, ये छोटा सा टॉपिक है। या एक्लिप्स को पढ़ लें, आप लोग 5:30 तक तो रुके हुए हैं ना? तो नोवा की बुक में कैसे एक्सप्लेन किया है इसको? एक्लिप्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक्लिप्स जरूरी है, आपने पढ़ना है उसको। ये किसी ने कोई क्वेश्चन लिखा है कि नोवा की बुक्स में डिफरेंट एक्सप्लेन किया हुआ है, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की। मोहम्मद फैजान सेज समथिंग, फैजान नाम है आपका? फैसल, मोहम्मद फैसल, ठीक हो गया। हाँ फैसल, आप क्या कह रहे हो? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? जी शुक्र अल्लाह पाक का सर। सर जी ये मैं कह रहा था कि जिस तरह ये आपने गैलेक्सी या बाकी इसके सारी टर्मिनोलॉजीज पढ़ाई है ना, वो नोवा वाली बुक में तो इस तरह वो नहीं मिल रही हमें। तो आप मतलब क्या कह रहे हो, उससे डिफरेंट है ये? डिफरेंट एंड थोड़ा सर मुश्किल वर्डिंग में ना लिखी हुई है, पर जैसे ये आपने आज सैटेलाइट्स भी पढ़ाए हैं वो इस तरह का भी कोई टॉपिक उसमें नहीं मिल रहा। मिनी सैटेलाइट्स का टॉपिक तो जरूरी है, उसमें आ जाएगा वो। बहरहाल आई होप कि जो ये यहाँ से मैं आपको पढ़ाऊंगा तो यहाँ से आप सीख के वो जो आपको उस बुक्स में लिखा होगा वहां से अच्छे ही से अप्रिशिएटिंग। मुझे ये लगा आप कह रहे हैं कि वो डिफरेंट है, उसमें डिफरेंट गिवन है और आपने हमें अलग चीज पढ़ा दी है, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने कहा कि फिर मैं वो उससे टेली कर लेता हूँ बुक से, बट मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं सिलेबस के मुताबिक ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, सही समझ आ गई है मुझे। ओके अच्छा, नहीं सर नाउ मैं डिफरेंट का ही कह रहा हूँ। आप डिफरेंट का कह रहे हैं ना कि उन्होंने डिफरेंट लिखा हुआ है वहां पे? जी सर, अब जैसे उनका ये फर्स्ट टॉपिक है ना कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स, उसमें ये छोटी छोटी उन्होंने डेफिनेशंस दी हैं स्टार्ट में, मतलब गैलेक्सी वगैरह को कोई नहीं एक्सप्लेन किया, ये डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, लाइट ईयर, मेथड टू एस्टिमेट द एज ऑफ यूनिवर्स, हाँ फ्यूचर ऑफ अब यूनिवर्स, ठीक है, ये इस सही तरह चीजें आप उन्होंने बता की रहे हैं। हैं, ठीक है, मैं आप समझ गया हूँ आपकी बात को, मैं समझ गया हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने अपने जो बड़े टॉपिक्स है ना उनको हमने एड्रेस करना है।
अगर हम सारी चीज़ों को आपके बिल्कुल निटी एंड ग्रिटी में जाएंगे और छोटी छोटी चीज़ें भी आपको पढ़ाएंगे तो दैट वुड टेक एटलीस्ट 18 टू 20 लेक्चर्स फॉर ईच सब्जेक्ट, जो कि पॉसिबल नहीं है. सो इन अ वेरी लिमिटेड शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जो हम आपके साथ करेंगे वो यही होगा जिससे आपका मेन आइडिया डिवेलप हो जाए, आपकी बेस डल जाए, द ब्लूप्रिंट इज प्रिपेयर्ड. उसके बाद जो है आप बाकी सारी चीज़ें जो है उसको कवर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैटर और डार्क मैटर, उसकी डेफिनेशन आप याद कर लें अगर बुक में है. अगर लाइट ईयर की डेफिनेशन है तो उसको ज़रूर याद करें, वो आपसे पूछ सकते हैं. ठीक है, इस तरह से अगर वो आपसे पूछते हैं कि एज जो है, बाकी उसको तो मैंने पढ़ाया था कि एज कैसे एस्टिमेट करनी है, उसमें लिखा हुआ है बुक्स में. तो एविडेंस ऑफ बिग बैंग क्या है वो आपसे पूछेंगे. हाउ विल यू एस्टिमेट द एज ऑफ सोलर सिस्टम. तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें बुक में दी हुई हैं तो उनको आप ज़रूर कवर करें. बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज, मेरे साथ आपके होंगे 8 लेक्चर्स, ठीक है ना. तो 8 लेक्चर्स में आप देखें ना, अगर हम एक भी टॉपिक पढ़ते हैं तो 3 घंटे में वो मुश्किल से कवर होता है. ये भी हम बहुत दौड़ दौड़ के जो है ना इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे हमारा जो मेन फैसल काम है वो यही है कि मैं आपको समझाऊँ कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ बिग बैंग और व्हाट इज़ अ गैलेक्सी और व्हाट इज़ अ यूनिवर्स. ठीक है, स्टार के क्या क्या लाइफ साइकिल क्या है, स्टेजेस क्या है, एस्टेरॉयड क्या है, कॉमेट्स क्या है, मीटियोर्स, मीटियोराइड, मीटियोराइट्स क्या है, स्पेस शटल्स क्या हैं, जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस, उनकी क्लासिफिकेशन एंड थिंग्स लाइक दैट. बड़ी बड़ी चीज़ें मैं आपको बता दूं तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो बुक में दी हुई हैं दैट यू हैव टू कवर ऑन योर ओन, ये आपको पता हो. वील ओनली बी स्टडिंग जो मेन चीज़ें हैं वो, ताकि आपका आइडिया एक डिवेलप हो जाए. अब अगर आपका इतना आइडिया डिवेलप हो गया है कि सोलर सिस्टम क्या है, तो उसकी एज कि जो उस पॉइंट्स लिखे हुए कि एज इस तरह से कैलकुलेट होगी, उसमें क्या डिफरेंट, मतलब क्या डिफिकल्ट है, मुश्किल है? नहीं सर, वो मसला सिर्फ ये था ना कि वो मुझे था कि शायद ये नहीं पढ़ना. मैं ये आपको पढ़ना है, जो छोटी छोटी चीजें हैं वो एक एक मार्क्स के, दो दो मार्क्स की वो आपको दे देते हैं. यू हैव टू स्टडी देम. ठीक है सर, बहुत ठीक है. ओके ठीक है. मैविश, आर यू इन किचन? म्यूट करें अपने माइक को. अच्छा, अब है इक्लिप्स. इक्लिप्स क्या चीज़ है? आपने जो छोटी मोटी चीज़ें बुक में दी हुई हैं वो आपने पढ़नी है ज़रूर, ठीक है ना, उसको छोड़ना नहीं है ऐसे. इसीलिए आप लोग बार बार स्लाइड्स मांगते हैं. मैं आपको यही कहता हूँ कि स्लाइड से सिर्फ आपका मैंने आइडिया क्लियर करना है, बाकी तो आपने बुक को ही फॉलो करना है. तो डोंट फॉलो स्लाइड्स, फॉलो बुक्स, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखी हुई हैं. अच्छा, अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप में से कितने लोगों को एक्लिप्स का आइडिया है? हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली हैव एन आइडिया अबाउट एक्लिप्स? ठीक है, एक्लिप्स जो है, एक्लिप्स कब होता है? एक्लिप्स कब होता है? लेट्स डू दिस सुपर क्विक. एक्लिप्स कब होता है? एक्लिप्स के लिए जरूरी है जब 3 या 3 से 4 चीजें एक स्ट्रेट लाइन कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएं. ये नीचे तस्वीर देख रहे हैं आप. ठीक है. नो सर. कैसे नो सर, ये तस्वीर नहीं नजर आ रही आपको? सन, मून, अर्थ. I've been told that I am sharing my screen. तो कैसे नजर नहीं आ रही आपको? अच्छा, the folder is on display. Sorry. अब नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है. हाँ, अब ये तस्वीर आपको नजर आ रही है, sun, moon and earth. अब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कॉन्फ़िगरेशन में, व्हाट इज दिस कॉल्ड? इट इज कॉल्ड अ सिज़िजी. सिज़िजी किसे कहते हैं? सिज़िजी कहते हैं व्हेन 3 or more थिंग्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन कॉन्फ़िगरेशन. समझ आ गई आपको?
सिजीजी मींस व्हेन थिंग्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन कॉन्फ़िगरेशन। अब ये देखें ना, वैसे और कभी क्या होता है, ये आपको एरो नजर आ रहा है जो मैं बता रहा हूं, आप ये मूव कर रहा हूं। हाँ, वैसे और कभी ये होता है दैट द मून इज एक्चुअली ऑर्बिटिंग द सन लाइक दैट। ये ऐसे, ठीक है, तो क्या होता है कि सनलाइट जो है वो मून पे पड़ती है, और जो इधर वाले लोग होते हैं, रात वाले लोग होते हैं, दे कैन सी द सन, दे कैन सी द मून शाइनिंग बिकॉज इट्स रिफ्लेक्टिंग द सनलाइट। समझ आ गई आपको? अब कभी कभार ये होता है कि ये अपने सनीजा नदीम, क्या आपको वैसे नहीं पता कि ये मून कैसे ऐसे चमक रहा है? जिंदगी में वैसे आपने कभी गौर नहीं किया? क्या इसके पीछे ये क्या राज है? जल्दी जल्दी जवाब भी देना, सिर्फ नो लिख के आप गायब हो जाती हैं, फिर मुझे जवाब भी दें बिकॉज टाइम इज इन ए वेरी शॉर्ट सप्लाई। हाँ जी, तो आपको पता है कि मून कैसे रात को चमकता है? चलें ठीक है, यू आर वेस्टिंग माय टाइम। अब वो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जवाब दे ही नहीं रही हैं। अब मून जो है ये आपके अर्थ के ऊपर यूं जो है ऑर्बिट कर रहा है लाइक दिस। सन की जो लाइट आती है वो मून पे पड़ती है और मून उसको रिफ्लेक्ट करता है, तो हमें मून जो है वो इतना रोशन नजर आता है रात को। समझ गई आप बात को? ये इसकी बेसिक फिलॉसफी है इसके अंदर, कि रात के टाइम हमें सूरज कैसे, ये चांद कैसे इतना चमकता हुआ नजर आता है। चांद से कोई अपनी रोशनी थोड़ी निकल रही है, कोई बल्ब तो नहीं है वो, ठीक है। तो वो एक बॉडी है जो आपके ऊपर यूं ऑर्बिट कर रहा है, सन की जो रोशनी है वो यहां पे आती है, इस पे पड़ती है, जब वो उसको रिफ्लेक्ट करता है तो वी कैन सी इट शाइनिंग हियर, ठीक है। अब कभी कभार ये होता है कि वो अपने ऑर्बिट से थोड़ा टिल्ट करके ना नीचे आ जाता है, यूं इसका रेगुलर ऑर्बिट होता है, उससे थोड़ा सा नीचे आ जाता है यूं, तो इट कम्स एग्जैक्टली बिटवीन द सन एंड द अर्थ। समझ गए मेरी बात को आप या नहीं समझे? इट कम्स एग्जैक्टली बिटवीन द सन एंड द अर्थ। तो जो सनलाइट होती है उसको ये ब्लॉक कर देता है फॉर अ पार्ट ऑफ द अर्थ, तो हम क्या कहते हैं, दिस इज सोलर एक्लिप्स, क्योंकि सोलर को इसने छुपा दिया ना, इसकी रोशनी नहीं आने दे रहा, दिस इज सोलर एक्लिप्स। अब जो यहां पे लोग हैं क्या कहते हैं, यहां पे लोग हैं, दे कैन सी द सन, क्योंकि मून का जो शेडो बन रहा है वो इस एरिया में बन रहा है। यहां पे जो लोग हैं दे कैन वेरी मच सी द सन, यहां पे जो लोग हैं दे कैन वेरी मच सी द सन। जरूरी नहीं है कि जब सोलर एक्लिप्स हो रहा है तो सारी दुनिया के लोगों को एक्लिप्स नजर आए, ठीक है। एक्लिप्स जो है इन सर्टेन पार्ट्स नजर आता है। अब यहां तक आप समझ गए कि सिजीजी क्या होती है। सिजीजी इज स्ट्रेट लाइन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थ्री और मोर सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। मून जब सन और अर्थ के बीच में आ जाए और अर्थ पे खड़े लोगों के लिए मून, ये अर्थ अर्थ पे खड़े लोगों के लिए मून ब्लॉक करता है सन का व्यू, तो दिस रिजल्ट्स इन अ सोलर एक्लिप्स। ये वो आपसे पूछ लेंगे कि व्हाट इज एन एक्लिप्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्स।
अब टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्स क्या है? अच्छा, पास्ट पेपर में मैंने ये तीन वर्ड्स भी देखे हैं, अम्ब्रा, पेनम्ब्रा एंड एंटम्ब्रा, अम्ब्रा, पेनम्ब्रा एंड एंटम्ब्रा। अब आप समझें कि ये है आपके पास सन, ठीक है, और ये है आपके पास मून, और ये है आपके पास अर्थ। तो अब जो अम्ब्रा रीजन में खड़ा होगा, जो मून के बहुत ही करीब होगा, तो इसके लिए तो सारा व्यू ब्लॉक होगा ना। होगा या नहीं होगा? हाँ, जो अर्थ पे जो बंदा अम्ब्रा रीजन में खड़ा होगा, जिसके मून बहुत ही करीब होगा, तो वो तो सारे सन को ब्लॉक करेगा। तो ये कौन सा एक्लिप्स बनाएगा? टोटल सोलर एक्लिप्स। कौन सा एक्लिप्स बनाएगा? हाँ, देयर विल बी अ टोटल सोलर एक्लिप्स ऑन द 20th of April। इट कैन बी सीन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो सोलर एक्लिप्स जब आता है तो आप समझ जाए कि सन और अर्थ के बीच में, अब रोजाना जो है सन निकलता है और अर्थ उसके सामने होता है, मून डज नॉट इंटरफेयर, बट इट सो हैपेंस दैट समटाइम्स वो अपने पाथ से जो है थोड़ा नीचे हो जाता है और इट ब्लॉक्स द व्यू ऑफ द सन इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि मून जो है वो अर्थ और सन के बीच आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अब जितने आप देखें ना, जितनी एक चीज आपके करीब होगी उतना इसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मून आपके बहुत करीब है और आप अम्ब्रा रीजन में खड़े हैं, तो फिर तो आपसे टोटली वो सन को ब्लॉक करेगा। ठीक है, अगर आप पेनम्ब्रा रीजन में खड़े हैं, पेनम्ब्रा रीजन में खड़े हैं, तो या ये सन का ये हाफ ब्लॉक करेगा, जब आप मून इधर से देखेंगे तो ये मून इसका या ये हाफ ब्लॉक करेगा, और अगर इधर से देख रहे हैं तो मून इसका ये हाफ ब्लॉक करेगा, यू वुड स्टिल बी एबल टू सी हाफ द सन। तो हम कहेंगे कि दिस इज पार्शियल सोलर एक्लिप्स। समझ रहे हैं आप मेरी बात को या नहीं? किसको समझ नहीं आ रही? अम्ब्रा, पेनम्ब्रा एंड एंटम्ब्रा, ये आपने याद रखने हैं। अगर आप अम्ब्रा रीजन में खड़े हैं और बहुत 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 करीब है मून आपके, तो वो सारे सोर्स को ब्लॉक कर देगा। अगर ब्लॉकिंग सोर्स आपके बहुत करीब हो तो सारी चीज को ब्लॉक करेगा। फॉर एग्जांपल, आई वांट यू ऑल अपनी हथेली खोलें और आंखों के बिल्कुल ऊपर रखें, तो इसने सारे जो आपके सामने ट्यूबलाइट है, बल्ब है, उसको ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि ये हाथ जो है आपका ब्लॉकिंग ऑब्जेक्ट जो है बहुत करीब है। हाँ, अब इस हाथ को थोड़ा दूर आप ले जाएं, थोड़ा सा दूर। अब आप देखें साइड पे चीजें आपको नजर आनी शुरू हो गई हैं। यही होता है पेनम्ब्रा रीजन में, आपको साइड की चीजें नजर आ रही हैं थोड़ी थोड़ी सी। ठीक है, अब इसको थोड़ा और दूर ले जाएं तो वो जो लाइट का सोर्स है उसका सेंटर ब्लॉक होगा, बाकी साइड से वो चीजें आपको नजर आएंगी। That happens when you are in Entambra region. जब आप ये एरो को देखें, आप Entambra region में हैं तो मून आपसे दूर है, तो ये सिर्फ इतना ही सेंटर में इसको ब्लॉक करेगी, बाकी साइड्स आपको ये नजर आ रहे होंगे ऐसे। समझ आ रही है आपको मेरी बात की या नहीं? तो वो जब आपसे पूछेंगे कि टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्स क्या है, तो उसमें आपने यही बताना है टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्स में कि हमारे पास तीन टाइप्स हैं, टोटल सोलर एक्लिप्स, पार्शियल सोलर एक्लिप्स एंड एनुलर सोलर एक्लिप्स। टोटल सोलर एक्लिप्स तब होता है व्हेन यू आर इन पेनम्ब्रा रीजन एंड द ब्लॉकिंग ऑब्जेक्ट इज टू क्लोज टू यू, देयर बाय इट ब्लॉक्स द एंटायर लाइट सोर्स। ठीक है, पार्शियल सोलर एक्लिप्स तब होता है जब आप पेनम्ब्रा रीजन में होते हैं, तो अगर आप इस वाले ऊपर वाले में, तो ये आपके लिए जो है क्या कहते हैं, ये आधा वाला नीचे ब्लॉक किया होगा, अगर आप इसमें हैं तो आधा वाला ऊपर सन ब्लॉक होगा, नीचे आपको नजर आ रहा होगा।
और अगर आप इधर हैं तो बिल्कुल बीच में आपको ये ब्लॉकिंग ऑब्जेक्ट वाली जगह यहाँ पर डार्क नजर आएगी लाइट सोर्स की, बाकी लाइट सोर्स आपको नजर आएगा। थोड़ा सा आपका आइडिया क्लियर हो गया। अम्ब्रा, पेनम्ब्रा एंड टम्ब्रा रीजन्स, टोटल, पार्शल एंड एन्युलर सोलर एक्लिप्सिस, सीजीजी क्या होती है और सोलर एक्लिप्स क्या होता है। अब मुझे ये बताएं कि सोलर एक्लिप्स किसी और वजह से हो सकता है? हाँ, एक स्पेसक्राफ्ट में आई डोंट नो द ईयर, मैं आपको बता देता हूँ, अपोलो 12 था या अपोलो 69 था आई थिंक, वो जा रहा था तो रास्ते में क्या हुआ, दैट अर्थ केम बिटवीन द सन एंड द स्पेसक्राफ्ट। तो बाकी तो किसी ने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन जो स्पेसक्राफ्ट का अमला था उनके लिए वो सोलर एक्लिप्स जरूर था। अर्थ पे जो लोग मौजूद थे उनके लिए तो नहीं था, लेकिन जो स्पेसक्राफ्ट में थे उनके लिए सोलर एक्लिप्स जरूर था, क्योंकि एक सीजीजी बन गई ऑफ द स्पेसक्राफ्ट, द अर्थ एंड द सन। तो वो जा रहे थे अच्छा भला सन को देख रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन इट वॉज ब्लॉक्ड बाय प्लैनेट अर्थ। समझ आ गई आपको मेरी बात की या नहीं आई? अब आप ये वीडियो देख लें, इससे ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। बस इसको खत्म भी करते हैं 5 मिनट में। How exactly does a solar eclipse happen? Why does the sun sometimes partially or even completely disappear from the sky for a few minutes? Let's start with the basics. Earth, our home planet, is locked in an elliptical path around the sun. This elliptical path is known as the orbit of our planet. Earth travels around the sun along that orbit and completes one revolution in approximately 365 days and 6 hours. As you may have noticed, this is roughly the length of 1 year. So, does that mean Earth is at exactly the same spot in its orbit every year on your birthday? Well, since it takes the same amount of time every year to complete one revolution around the sun, it's only fair to assume that on your birthday, Earth will be in exactly the same spot every year. We've actually answered that question in another video that you can watch by clicking on the I button at the top right corner of the screen. Just as Earth moves around the sun in an elliptical orbit every year, our natural satellite, the Moon, also revolves around the Earth. It takes about 27.322 days for the Moon to complete one revolution around our planet. So, Earth revolves around the Sun, and the Moon revolves around Earth. Pretty neat, right? Due to all the interrelated motion happening between these three celestial bodies, several physical phenomena occur. When the new Moon, during its revolution around the Earth, moves between the Sun and the Earth, it blocks out the Sun's rays, which casts a shadow on parts of the planet. This is called an eclipse of the Sun, or a solar eclipse. In other words, a solar eclipse happens when the moon passes in a direct line between the sun and the earth. Now, you may be thinking that the moon is infinitesimally small compared to the sun, so why is it ever able to cover part or sometimes even the entire sun? Although the moon is indeed about 400 times smaller than the sun, it also happens to be around 400 times closer to us than the sun. This is why both the moon and the sun appear to be the same size in our sky. The moon is very small compared to the sun and to the earth, which is why the moon's shadow isn't big enough to engulf our entire planet. Therefore, the moon's shadow is always limited to a certain area. This area changes even during an eclipse, as both the celestial bodies are in constant motion with respect to one another. When the moon eclipses the sun, it casts two types of shadows on Earth. The first is the umbra, which is a small and very dark shadow. If you're in a place on Earth where umbra is cast, the entire central portion of the sun will be blocked out from your perspective. The second type of shadow is known as the penumbra. It is a larger and relatively lighter shadow than the umbra. If the penumbra passes over you, then only a small part of the sun will be blocked out from your point of view. Depending on the type of shadow the moon casts on Earth, solar eclipses are broadly classified into four types. The first is a total solar eclipse. This is the most spectacular of all eclipses because, during a total solar eclipse, the entire sun is completely blocked out by the moon. This can only happen when the moon is near perigee, the point of the moon's orbit when it is closest to the Earth. You can only see a total solar eclipse if you're standing within the umbral shadow. Since the Earth keeps rotating, the umbral shadow doesn't stay at one point on Earth. It keeps moving too. The imaginary line created by the umbral shadow is known as the path of totality.
If you're in any of the places through which this imaginary line passes, you can see when the sun gets completely blocked out by the moon. Next up is a partial solar eclipse. This type of eclipse is observed when the moon covers only a part of the sun and casts a penumbra on Earth. Since it only covers a part of the sun, this phenomena is known as a partial solar eclipse. When the moon passes through the center of the sun, but its disk isn't big enough to cover the entire disk of the sun, then an annular solar eclipse occurs. When this happens, the sun's outer edge remains visible, making it look like a shiny, fiery ring in the sky. अब ये जो है ये आप देख रहे हैं ये एंटेम्ब्रा कहाँ गया ये? हाँ, ये वाला आप देखें ना जब आप अम्ब्रा रीजन में होंगे तो सारा होगा और अगर आप पीछे एंटेम्ब्रा रीजन में होंगे तो ये फिर अ पार्ट ऑफ इट वुड बी कवर्ड लेकिन साइड्स आपको फिर भी नजर आ रहे होंगे ठीक है ना अगर ये आप इधर होंगे कहाँ गया भाई चलें स्टक हो गया बट ठीक है ना ये एक मिनट में फिर आपके साथ शेयर करता हूँ तो दैट वॉज अबाउट दी सोलर एक्लिप्स और जो ल्यूनर एक्लिप्स है उसमें टाइम बहुत लगेगा आई एम श्योर आप लोग बहुत थक गए आप लोग रेस्ट करें इंशाल्लाह आप लोगों की दूसरी क्लास लगाता हूँ तो उसमें ये मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा फिर ठीक है लेकिन यहाँ तक जो है आपको जो चीज़ें आपने नोट करनी है वो नोट करने वाली चीज़ें ये हैं कि ये आप अपने पास लिख लें ये चीज़ें एक मिनट गिव मी अ सेकंड हाँ जो मैं आपको एक्लिप्स के हवाले से बता रहा था वो ये चीज़ें थी वो जो टोटल है ना अगर आप यहाँ पे खड़े होंगे तो टोटल सोलर एक्लिप्स होगा और अगर आप यहाँ पे थोड़ा पीछे खड़े हैं तो फिर वो एन्युलर सोलर एक्लिप्स होगा एजेस जो हैं वो ब्राइट होंगी और सेंटर ब्लॉक होगा और अगर पेनम्ब्रा में खड़े हैं तो फिर तो इम्पार्शल होगा जैसे आपने वीडियो में देखा ठीक है तो आई होप कि ये वीडियोज से जो है आपको काफ़ी सारी चीज़ें ये आपको क्लियर हो जाती हैं जो मैं आपको बताता हूँ तो आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन उसकी देखिए चीज़ें आपको बहुत क्लियर हो जाती हैं ठीक है अच्छा तो अब जब ये होगा इस दफ़ा होगा एक्लिप्स होगा तो आप देखें कि वो क्या कहते हैं कि ये टोटल सोलर होगा या ये एन्युलर होगा या ये पार्शल होगा या वो आपको ये कहते हैं कि जिधर जिधर से ये सोलर एक्लिप्स गुजरेगा तो वो उसको कहते हैं पाथ ऑफ टोटैलिटी ठीक है आप ये देखें कि वो आपको बताते हैं कि आप जो आपका कंट्री है या आपका जो आपकी जगह है वो अम्ब्रा रीजन में आती है या वो एंटेम्ब्रा रीजन में आती है ठीक है उसका जो है फिलॉसफी क्या है सारी कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने नोट करनी है या आप लोगों ने भूलनी नहीं है या आपको बुक्स में से या इधर उधर मिल जाएंगी रिलेटेड टू एक्लिप्सिस आपने ये चीज़ें ज़रूर याद करनी है सिज़िजी नंबर वन ठीक है फिर आपने करना है इसमें एंटेम्ब्रा अम्ब्रा पेनम्ब्रा ठीक है टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्सिस ठीक है और आपने करना है पाथ ऑफ टोटैलिटी ठीक है दीज आर रिलेटेड टू सोलर एक्लिप्स वो आपसे कहेंगे ना सोलर एक्लिप्स में आप सोच रहे होंगे कि हम सोलर एक्लिप्स में क्या क्या पढ़ें यही चीजें आपने सोलर एक्लिप्स में पढ़नी है और आपने एक ये रफ सी डायग्राम उनको बना के देनी है ये जो है बस सिंपल रफ सी डायग्राम बनानी है लाइट सोर्स बनाए इसमें सन लिख लें उसमें मून लिख लें और पीछे ये बना लें कि ये अम्ब्रा है पेनम्ब्रा एंटेम्ब्रा है और इसमें ये लिख लें दैट स्टैंडिंग इन पेनम्ब्रा रीजन यू विल एक्सपीरियंस पार्शल और अम्ब्रा में टोटल और एंटेम्ब्रा में जो है एन्युलर ठीक है बस इतनी सी ये डायग्राम आप बना लें दिस इज मोर देन एनफ रफ सी डायग्राम बना लें इसके बाद जो आप फिर पढ़ेंगे ना ल्यूनर एक्लिप्स को तो ल्यूनर एक्लिप्स में आपने ये चीजें जरूर पढ़नी है ल्यूनर एक्लिप्स में कि ब्लड मून क्या होता है ठीक है ब्लड मून क्या होता है व्हाई अ ल्यूनर एक्लिप्स डज नॉट ऑकर विद एवरी न्यू मून नंबर टू इस चीज को आपने एड्रेस करना है तीसरा आपने एड्रेस करना है डायमंड रिंग इफेक्ट को और चौथा आपने एड्रेस करना है उसको हेलेज बीट्स
हेलेस बीड्स है या बेलेस बीड्स है? लेट मी जस्ट कंफर्म दिस नेम एंड देन यू आर गुड टू गो. ठीक है, हेलेस बीड्स. एक्लिप्स में रुके हैं. हाँ, एच ए डबल एल ई वाई है, नॉट एच ए आई. ठीक है, एच ए डबल एल ई वाई, हेलेस बीड्स. ये सारे मैं आपको पास्ट पेपर से बता रहा हूँ, ये आपसे पूछ सकते हैं. तो एक्लिप्स से रिलेटेड यही चीज़ें हैं, तो अगर आप इनको कवर कर लेंगे तो आपका एक्लिप्स का जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा. ठीक है, तो आई होप कि आज आप इतना आए हैं, आपने वेट भी किया मेरा. वी स्टार्टेड द लेक्चर लेट बट देन अगेन वी एंड इट लेट, तो आपका टाइम तो कवर हो गया है 2-3 घंटे का. बट अलॉन्ग विद दैट वी डिड रिवाइज ऑल दैट वी स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर्स. उसके अलावा हमने आज एक्लिप्सिस पढ़ी हैं. एक्लिप्सिस में हमने बड़ी अच्छी चीज़ें सीखी हैं अबाउट अम्ब्रा, पेनम्ब्रा एंड टम्ब्रा, और टोटल एक्लिप्स, पार्शल एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स, और क्या कहते हैं इसके अलावा ब्लड मून क्या होता है. वी आप बता दिए, आपके आपकी नज़र से चीज़ गुजर गई. अब आप इसको कहीं पढ़ लें या अगर हम खुद पढ़ लेंगे तो कवर हो जाएगा. ठीक है, और चीज़ें आपके नोटिस में मैंने और जो दी, उसमें डायमंड रिंग इफेक्ट होता है, हेलेस बीड्स हैं, और ब्लड मून क्या होता है, और इसके अलावा जो है कि हर नए चांद के साथ चाहिए कि वो फिर आपका क्या कहते हैं एक ल्यूनर एक्लिप्स हो तो क्यों नहीं होता. ठीक है, तो उसका रीज़न है. ओके, तो इसके बाद हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं सैटेलाइट के बारे में पढ़ी हैं, बहुत इट वाज इनलाइटनिंग फॉर द रीज़न कि हमें पहले तो ये पता लगा कि कुछ नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल होते हैं. आर्टिफिशियल में भी हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस. ठीक है, तो उनमें जिनको हम एल्टीट्यूड के बेस पे करते हैं तो जो 35,786 किलोमीटर के डिस्टेंस पे फिक्स होगा वो है जियोसिंक्रोनस. अगर किसी भी लैटिट्यूड पे उसको लगाएं तो आज़ादी हो हमें तो जियोसिंक्रोनस होगा, और अगर हम फिक्स लगाएं इक्वेटर के ऊपर तो वो जियोस्टेशनरी होगा. जियोस्टेशनरी का क्या फ़ायदा होता है कि अगर एक दफ़ा आप चीज़ नीचे से यहाँ से कोई एंटेनास फिक्स कर दें, टावर्स हो, एंटीनाज हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो फिर फिक्स ही रहती है, वो सिग्नल खींचती रहती है, आपको बार बार एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती. ठीक है, उसके अलावा सैटेलाइट्स हमने पढ़ा कि सैटेलाइट जंकयार्ड ऑर्बिट क्या होता है, ग्रेवयार्ड ऑर्बिट क्या होते हैं, और स्पेस ट्रक क्या है. और आपको मैंने बताया कि आप लोगों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप और हबल टेलीस्कोप में डिफरेंसेस लिखनी है 5 से 10, आपको पता हो. और हबल टेलीस्कोप ने नए क्या क्या चीज़ें हमें वहाँ से तस्वीरें भेजी, हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसे बेहतर हुई है ऑफ द स्पेस हबल टेलीस्कोप की वजह से, वो आपने लिखनी है, आपको पता हो. नासा पे आपको 5-10 पॉइंट्स पता हो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे आपको पता हो, और इसके अलावा जो है आपके पास GPS की फंक्शनिंग कैसी होती है, वो सारी चीज़ें आपको पता हो. तो आई होप यू डिड लर्न समथिंग व्हेन यू केम हियर. यू आर नॉट एज लर्नड एज यू आर व्हेन यू आर लीविंग, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स अ लेक्चर प्रोडक्टिव एंड सक्सेसफुल. कि जब आप आते हैं आपको कुछ पता नहीं होता, बट जाते वक्त आपको कुछ चीज़ें पता होती हैं इजाफी. So that means that the lecture has been productive and it was worth all your efforts, your weight, your energies and the money. ठीक है, तो I hope you did learn something that makes me happy. और आप लोगों से मुलाकात जल्दी हो जाएगी. ठीक है, I would ask them कि आपसे आपकी क्लास जो है ना वो जल्दी आपकी रखे. ईद कब है, किसी को पता है? ईद कब है? सैटरडे को. और सैटरडे कब है, आज क्या दिन है? टुडे इज व्हाट? अच्छा, टुडे इज मंडे. ओके, ठीक हो गया, टुडे इज मंडे. चलें फिर, तो हमारे पास फ्राइडे तक काफी दिन है, 4-5 दिन है. तो मैं उन्हें कहता हूं कि वो आपके टुमारो इज द लास्ट क्लास. अच्छा, फिर नोवा छुट्टियों पे जा रहा है वेंसडे से. चलें फिर, मुझे उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि कल भी आपकी क्लास लगा दें. ठीक है, नहीं जो आपको मैंने पढ़ाना है वो इन लेक्चर्स में वो कवर हो जाएगा. बिकॉज आई विल नॉट बी गोइंग इनटू अ लॉट ऑफ निटी एंड ग्रिटी. जैसे कि अभी फैसल ने बात की कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, वो तो बुक से आपने खुद ही करनी है कि लाइट ईयर क्या है, या जो कहते हैं डार्क मैटर क्या है, या प्रूफ करें कि
बिग बैंग वाकई में हुआ है या एज कैसे आप कैलकुलेट करेंगे सोलर सिस्टम की, ये चीज़ें तो आपने खुद पढ़नी है। देयर इज़ नो फ्रिगिंग वे इन हेल कि वो हम ख़त्म कर सकें अगर आपकी 20 भी लेक्चर हो, ठीक है। तो हमने जो चीज़ें बड़ी बड़ी पढ़नी हैं उसमें जो आपकी रह गई हैं जो मैंने अब आपको पढ़ानी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या पढ़ाना है, तो आप परेशान ना हो। आपके जो बाकी 3 लेक्चर्स रह गए हैं और वो हैं तकरीबन आपके 9 आवर्स बनते हैं ना, तो उन 9 आवर्स में जो चीज़ें हमने पढ़नी हैं वो हैं आपके सोनामीज, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स, और आपने पढ़ना है ग्रीन हाउस गैसेस, बैलेंस डाइट्स, विटामिंस एंड कोयोटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और ये चीज़ें। तो इसमें एक लेक्चर आपके साइंस का है, उसमें मैंने आपको सारी साइंस की चीज़ें पढ़ानी है। एक लेक्चर आपका रह गया है वो है आपका इन्वायरमेंटल का, और जो आपका ये पोर्शन था यूनिवर्स का वो आज ख़त्म हो गया, ठीक है। तो हाँ, और एक लेक्चर आपका रह जाएगा क्योंकि 3 लेक्चर्स हैं ना, तो उसमें मैं आपको छोटी मोटी चीज़ें जैसे फर्टिलाइजर्स हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, सिरेमिक्स हो गए और ये चीज़ों की ये मैं आपको पढ़ा दूंगा। सो बाय द एंड ऑफ द 8th लेक्चर आपके साथ में तकरीबन 70-80% कोर्स कर चुका होगा, और बाकी जो कोर्स है वो आपने ख़त्म करना है ऑन योर ओन, दैट विल बी ऑन यू, ठीक है। तो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, आपने परेशान नहीं होना। अगर ख़त्म ना भी हुआ तो आई कैन ऑलवेज आस्क देम कि वो आपका एक और लेक्चर लगा दें या मैं आपके साथ एक प्रो बोनो लेक्चर ले लूँ, तो उसमें जो आपकी एंड की क्वेरीज होंगी वो मैं आपको आंसर करूंगा। तो आपने परेशान नहीं होना इंशाल्लाह, वील ऑलवेज, देयर इज नथिंग इन लाइफ दैट कांट बी फिक्स्ड, ठीक है। तो हाँ, ल्यूनर एक्लिप्स रहते हैं तो ल्यूनर एक्लिप्स 5-10 मिनट में हो जाएगा, और जो आपका एक और टॉपिक रहता है एस्टरिज्म एंड कंस्टलेशन वो 5-10 मिनट में हो जाएगा। इतने बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो कोई तरीका हम इसका निकाल भी लेंगे अगर आपका कंप्लीट ना हुआ तो फिर भी हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है। चले, आप लोगों ने ईद को एंजॉय करना है मज़े से, और जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं इनको अब आपने भूलना नहीं है, ठीक है। और इनको बुक से भी आप कवर करते रहें कि साथ साथ आपकी और भी चीज़ें इसमें इल्म में इजाफा होता रहे और आपको ये भूले नहीं। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, इट वॉज ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू लाइक ऑलवेज, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू इंटरेक्टिंग विद यू सून। अल्लाह हाफिज़।